ओवरहेड्स, जनरली ऐसा लगता है कि ओवर द हेड्स चला गया, कुछ समझ में नहीं आता, काफी डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, बट हम फटाफट रिवाइज करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, थियोरी भी समझेंगे, इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड चैप्टर 4, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझ में आ जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 10 मार्क्स का जनरली पूछते हैं, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, बाकी कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसके साथ आता है और 5 मार्क्स की थियरी भी पूछ लेते हैं, राइट। कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट तो नहीं है, राइट, कि इसी तरह से पूछेंगे, बट इसमें से जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड्स। इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे थियरी और इलस्ट्रेशंस ऑफ ओवरहेड्स, और नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड देन आरटीपी के क्वेश्चंस कवर अप किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें से थियरी भी कई बार पूछते हैं तो अच्छा से कीजिएगा, इंट्रोडक्शन नहीं जरूरत है करने की। ओवरहेड्स मतलब कि कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो मटेरियल हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट वेजेस या लेबर को पेमेंट किया जा रहा है या और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सभी ओवरहेड्स कंसिडर किए जाएंगे, राइट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जनरली सब कुछ ओवरहेड्स ही कहलाया जाता है। ओवरहेड्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, वो किस तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है वो यहाँ पर समझते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स आपको पूरे ही कॉस्टिंग में ये काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज के लिए भी, और इसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये हम ईजी है, आपको पता भी हो सकता है, बट ये फटाफट एक बार देख लेंगे हम यहाँ पर, फिर आप अलग से रीड करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस है, उसमें फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब इसमें 3 क्लासिफिकेशन होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फंक्शन के बेसिस पर है। तो फर्स्ट है फैक्ट्री, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसमें क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी इन अ फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल टू द कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स। मटेरियल लाने से लेकर उसमें से फिनिश गुड्स बनाने तक में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है, तो ये सारे फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कवर अप होंगे। उसके एग्जांपल हैं स्टॉक कीपिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इनडायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल, ये आपको पता है। अब इसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो थियरी क्वेश्चन जैसे हो सकता है कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स बेस्ड ऑन फंक्शंस बताइए, राइट। तो उसमें आपको तीनों ही समझाने होंगे, उनके डिस्क्रिप्शन एज वेल एज एग्जांपल्स भी लेने होंगे। इवन इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि फॉलोइंग आर द ओवरहेड्स, उनको क्लासिफाई कीजिए, राइट, अमोंग फैक्ट्री एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हो। और ये एग्जांपल इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट जो होगा, मतलब चैप्टर 6 होगा कॉस्ट सिप, उसमें भी बाइफर्केशन करना है या और किसी चैप्टर में भी इसका बाइफर्केशन करना होगा तो आपको ये काम आएगा, इसलिए ये अच्छे से समझिएगा, ईजी है पर फटाफट एक बार देख लेना, एडवाइजेबल। चलिए, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन of an organization. It includes formulating the policy, directing the organization and controlling the operations of an undertaking which is not related directly to production, selling, distribution, research or development activity or function. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें उसका कोई भी रोल प्रोडक्शन में या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च डेवलपमेंट में डायरेक्टली कभी भी इनका रोल नहीं होगा, बट ये इनडायरेक्टली सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करेंगे, वो फाइनेंस हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, ऑडिट वगैरह हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल डिपार्टमेंट, वो सारी चीजें इसमें कवर अप होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, लीज रेंटल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इन केस ऑफ फाइनेंस लीज रेंटल एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट एक्सपेंस एटसेट्रा। सिंपल। चलिए, देन थर्ड क्लासिफिकेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सेल्स मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जनरली साथ में कंसिडर होते हैं, बट वो दोनों ही अपने आप में एक अलग डेफिनेशन मीनिंग रहते हैं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग ओवरहेड्स जो है उसमें जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सेलिंग ओवरहेड्स कहलाया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर तक पहुंचाना, रिटेलर्स तक पहुंचाना, वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कवर अप होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट. चलिए उनके एग्जांपल्स देखते हैं. सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस एटसेट्रा, राइट, ये सेलिंग ओवरहेड्स होंगे. जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वैन एक्सपेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज एक्सपेंस, सेकेंडरी पैकेजिंग एक्सपेंस एटसेट्रा. सिंपल. चलिए ये था बाई फंक्शंस, उसमें फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, देन सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब बाय नेचर है उसमें फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, ये तो अब जितने भी चैप्टर्स है ना सभी चैप्टर्स में ये आपको हेल्पफुल रहेगा. चलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स, दिस आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड एंड विच विद इन द सर्टेन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट और टर्नओवर. दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज इन आउटपुट. फिक्स्ड ओवरहेड है वो पीरियड के हिसाब से या कुछ टर्नओवर या कुछ एक्टिविटी तक वो फिक्स रहता है, वो अनअफेक्टेड रहता है, उसे फिक्स्ड ओवरहेड कंसिडर करेंगे. सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉइज, डेप्रिशिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर वो पीरियड के बेसिस पर है तो वो फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंश्योरेंस एटसेट्रा. देन वेरिएबल ओवरहेड्स, द कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, एनी इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा. ये आउटपुट एक्टिविटी के बेसिस पर जो भी वेराई होगा, चेंज होगा, वो वेरिएबल ओवरहेड्स है. इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, इन लुब्रिकेंट्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एटसेट्रा. Semi variable overheads, this cost contain both fixed and variable components and thus partly affected by fluctuation in the level of activity. उसमें कुछ हद तक fixed होगा, फिर थोड़ी सी activity change होगी तो वो variable हो जाएगा, फिर थोड़े time के लिए, थोड़े activity के लिए fixed, then again variable, उस तरह से वो semi variable रहेगा. Electricity cost, water cost, telephone and internet expenses, उसमें कुछ amount हमें fix pay करनी ही रहती है, हम use करें या ना करें, उसके बाद हम जितने use करते हैं उस हिसाब से payment रहता है, right? चलिए, तो by nature fixed, variable and semi variable, then by element, उसमें indirect material, indirect employee cost या फिर labor cost and indirect expenses. Materials which do not normally form part of the finished product, cost object are known as indirect material. वो हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनका पार्ट नहीं रहता है, वो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल. उनके अलावा भी कुछ चीजें हमें यूज करनी रहती है, वो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे. फॉर एग्जांपल, स्टोर्स यूज्ड फॉर मेंटेनिंग मशीन्स एंड बिल्डिंग, लुब्रिकेंट्स, कॉटन, वेस्ट, ब्रिक्स एटसेट्रा. स्टोर्स यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन एटसेट्रा. मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट है, जो जिसका मेन काम प्रोडक्शन करना नहीं है, वो सारे कोई भी डिपार्टमेंट अगर कुछ भी चीजें यूज कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा. स्टेशनरी भी हो सकता है, राइट. इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट कैन बी अपोर्शन टू और एब्जॉर्ब्ड बाय कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर इज नोन एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज. जिसका मेन काम डायरेक्ट एक्टिविटी जो प्रोडक्शन है उनसे नहीं है, बट उसको हम एब्जॉर्ब या अपोर्शन करेंगे, वो अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, वो सारी चीजें हम आगे समझने वाले हैं. तो उस एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट को इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट कहेंगे. सैलरी पेड टू फोरमैन एंड सुपरवाइजर, सैलरी पेड टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एटसेट्रा. इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वीनियंटली एंड होल्ली एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स. रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिशिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, वो सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे. तो बाय एलिमेंट, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन बाय कंट्रोल, लास्ट क्लासिफिकेशन, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट, दिस आर दोज कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसीज. मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली अगर काम करेंगे, उनकी पॉलिसीज होगी, फंक्शन करेंगे अच्छे से, तो वो जो भी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होगा, लाइक मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरी, पावर एंड फ्यूल एटसेट्रा. बट यहाँ पर ओवरहेड से तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के बारे में ज्यादा होगा.
Then uncontrollable cost, overhead cost, which cannot be controlled by the management even after the implementation of appropriate managerial influence and proper policies are known as uncontrollable cost. Rents and taxes, depreciation, interest on borrowings, etc. जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है वो सारे ही अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होंगे, राइट? तो यहाँ पर चार तरीके से ओवरहेड्स को क्लासिफाई किया है, राइट? सबसे पहले जो है उनका फंक्शन के बेसिस पर किया गया है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेकंड क्लासिफिकेशन बाय नेचर, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, देन बाय एलिमेंट्स, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज, इनडायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड देन बाय कंट्रोल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसके एग्जाम्पल से वो भी आपको थियरी में पूछ सकते हैं, बाकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने में भी हेल्पफुल होगी। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस में क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या एडवांटेजेस होंगे ये आपको थियरी में पूछ सकते हैं। First, controlling expenses. The classification of expenses into fixed and variable components help in controlling expenses. Fixed costs are generally policy costs which cannot be easily reduced. They are incurred irrespective of the output and hence are more or less non-controllable. Fixed cost है वो generally non-controllable होगा, वो तो होगा ही, मतलब वो पहले से ही fixed policy जिस तरह से बनाई है उसी हिसाब से fixed cost incur करना ही रहेगा. Variable expense vary with the volume of activity and the responsibility for incurring such expenditure is determined in relation to the output. Variable cost है वो output के हिसाब से change होगा, तो उस हिसाब से जितना output हमें बनाना है उस हिसाब से expense करना रहेगा. The management cannot control this cost by giving proper allowances in accordance with the output. तो अगर हमें control करना ही है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? अगर fixed cost होना ही है तो वो कुछ हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर हमारा प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से हुआ होगा, तो उतना प्रोडक्शन अचीव करने के लिए हमें हेल्प हो सकता है, वो हम कंट्रोल कर सकेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स, द सेग्रीगेशन ऑफ ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। इट एनेबल्स अ फर्म टू एस्टिमेट कॉस्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी एंड मेक कंपेरिजन विद द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। बजट बनाने के लिए हमें हेल्पफुल होगा फिक्स्ड वेरिएबल जितने भी ओवरहेड्स है, तो वो सारे ही पार्ट बन के हमारा पूरा बजट बनेगा, वो हमने बजट और बजटरी कंट्रोल चैप्टर 15 है उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वो बायफर्केशन होना जरूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल है वो आप ठीक है इग्नोर कर सकते हैं। देन डिसीजन मेकिंग, द सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आल्सो हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। फॉर एग्जांपल डिसीजंस रिगार्डिंग द प्राइस टू बी चार्ज ड्यूरिंग डिप्रेशन और रिसेशन और फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। लाइकवाइज डिसीजन ऑन मेक और बाय, शट डाउन और कंटिन्यू एटसेट्रा आल्सो टेकन आफ्टर सेपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए भी हमें ओवरहेड्स में बाइफर्केशन फिक्स्ड और वेरिएबल में हुआ होगा, तो पता चलेगा कौन सा एक्सपेंडिचर होने ही वाला है, कौन सा हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हमें पता चलेगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये सारी चीजें कवर अप होगी, मेक और बाय हमें क्या करना चाहिए, हमें वो सेल का प्रोजेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, वो सारी चीजें हम डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्पफुल हो सकती है। इनफैक्ट व्हेन एनी चेंजेस contemplated say increase or decrease in production, change in the process of manufacture or distribution, it is necessary to know the total effect on cost or revenue, and that would be impossible without a correct segregation of fixed and variable cost. The technique of marginal costing, cost volume profit relationship and break even analysis are also based on such segregation. ठीक है, तो यहाँ पर तीन advantages हमारे classification के रहेंगे। फर्स्ट कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, देन प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स, एंड थर्ड डिसीजन मेकिंग। ये तीन अब आप हेड पॉइंट्स सिर्फ याद रखेंगे तो भी अंदर का आप लिख पाएंगे, तो फिर से आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि ये इजी है और ये आप अगर पूरा ही कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो ये आपको सब कुछ चीज पता ही है, तो अगर पूछ लेंगे थियरी में तो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए, देन अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसमें आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 4.8 पर आ जाइए, उसके यहाँ पर जो 4.7 पर है वो ठीक है, वो देखने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है उसे किस तरह से हम अकाउंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। द फर्स्ट स्टेज इज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स कीपिंग इन व्यू द पास्ट फिगर्स एंड एडजस्टिंग देम टू नो फ्यूचर चेंजेस। द सोर्स अवेलेबल फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स मे इंक्लूड इनवॉइसेस, स्टोर रिक्विजिशंस, वेज एनालिसिस, बुक, जर्नल एंट्रीज एटसेट्रा। हमें पहले तो कितना ओवरहेड्स हुआ है वो सब कुछ कलेक्ट करना होगा, वो हमें एस्टिमेट करना होगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर हुए होंगे, हो
सकते हैं वो सारी चीजें। एस्टिमेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर के फिगर्स कंसिडर कर सकते हैं, उनके सोर्सेज हमारे पास इनवॉइस, स्टोर्स रिक्विजिशन, ये सारी चीजें हो सकती है जिसमें से हमें पता चलेगा ओवरहेड्स कितना हो। अब यहां से जो पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो पूरा ही ओवरहेड्स चैप्टर उसमें जो भी प्रोसेस करने वाले हैं वो प्रोसेस पहले यहां पर समझाई हुई है, ये अच्छे से समझेगा आपका ओवरहेड्स है वो क्यों है, वो सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी। द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द ट्रेसेबिलिटी ऑफ द ओवरहेड्स इन एन इकोनॉमिकल फिजिबल मैनर। अब ओवरहेड्स कैसी चीज है कि वो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ी नहीं है, राइट। हमें नहीं पता है कि ओवरहेड्स मतलब इसमें ये डेप्रिसिएशन है या फिर रेंट वगैरह है, वो एक्चुअली एक यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना एक्सपेंडिचर उसमें हुआ, उसमें कितना मटेरियल था या उसमें कितना डायरेक्ट लेबर था या और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं ना, वो हमें पता है। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, लाइक वो जिस मशीन में बना उनका डेप्रिसिएशन कितना था, वो जिस फैक्ट्री में बना उस फैक्ट्री का रेंट कितना था, इंश्योरेंस कितना था, उसमें कितने सुपरवाइजर लगे थे, उनके प्लानिंग के लिए ऑफिस में कितने लोग बैठे, कितने लोगों ने सेल करने के लिए हेल्प किया है, मार्केटिंग में क्या हेल्प किया, अकाउंटिंग किसने किया, उसका एडवर्टाइजमेंट किस तरह से था, लीगली कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वारंटी वगैरह उसके लिए कौन बैठा हुआ है, वो सारी चीजें वो बहुत पीछे की और वो डायरेक्टली हम एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसीलिए पूरा ओवरहेड्स होता है। वो सारी चीजें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो नेसेसरी है प्रोडक्शन करने के लिए एज वेल एज उनके सेलिंग वगैरह के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल सकता कि वो एक यूनिट बनाने में कितना, एक यूनिट को सेल करने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसी को किस तरह से करेंगे, ओवरहेड्स के हिसाब से करेंगे, उसको असाइन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ये पूरी प्रोसेस, इसीलिए ये पूरा चैप्टर बनता है, राइट। तो उसका जो ओवरहेड कितना हुआ है वो एक यूनिट कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो भी हमारा है, राइट, उनको कितना हमें एलोकेट करना है वो हमें इकोनॉमिकली चेक करना होगा कि उनको कितना बेनिफिट उससे मिला। उसके लिए यहां पर दो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। असाइनमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इधर द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल्स, कॉज एंड इफेक्ट एंड बेनिफिट रिसीव्ड। कॉज इज द प्रोसेस और ऑपरेशन और एक्टिविटी एंड इफेक्ट इज द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। कुछ रीजन हुआ उस वजह से हमने प्रोसेस किया और उनकी इफेक्ट क्या हुई, इनकरेंस ऑफ द कॉस्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पर भी हो सकता है या फिर बेनिफिट रिसीव्ड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर टू बी अपोर्शन टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय देम। उसमें से कितना बेनिफिट मिला या फिर कौन से रीजन की वजह से यह कॉस्ट इनकर हुआ, वो दोनों के बेसिस पर हमें असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं वो पूरा ही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए है, जो किसी ना किसी तरीके से फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, उसके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको यहाँ पर हम अलोकेट असाइन करेंगे। तो उससे हम किस तरह से असाइन करेंगे, उसके अलग अलग स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कॉस्ट अलोकेशन। द टर्म अलोकेशन रिफर्स टू द डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली। इट इंप्लाइज रिलेटिंग ओवरहेड्स डायरेक्टली टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर हम जो भी कॉस्ट हुआ है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हो सकता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हुआ हो सकता है, स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर के लिए हुआ हो सकता है, तो हम सीधा ही उनको अलोकेट कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री स्पेसिफिकली प्रोडक्ट एक्स बनाती है, तो वो फैक्ट्री का जो रेंट है, उस फैक्ट्री का जो भी इंश्योरेंस वगैरह जो भी चीज है, वो सारे प्रोडक्ट एक्स को अलोकेट किए जाएंगे। The estimated amount of various items of manufacturing overheads should be allocated to various cost centers or departments. For example, if a separate power meter has been installed for a department, the entire power cost ascertained from the meter is allocated to the department. The salary of the work manager cannot be directly allocated to any one department since he looks after the whole factory. It is therefore obvious that many overhead items will remain unallocated after this step. अगर कोई भी एक स्पेसिफिकली यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है कि पावर मीटर अलग ही दिया हुआ है फॉर एक डिपार्टमेंट, तो वो पावर मीटर के हिसाब से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो उस डिपार्टमेंट का हो जाएगा। बट कई बार हो सकता है कि मैनेजर है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में ध्यान रखना है, तो उनका ओवरहेड है वो सीधा ही हम अलोकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो कॉस्ट अलोकेशन होगा उसमें सिर्फ जो डायरेक्टली पता है कि वो इसी डिपार्टमेंट, इसी कॉस्ट सेंटर का एक्सपेंस है, तो सबसे पहले कॉस्ट अलोकेट कर देंगे। उसके बाद जो एक्सपेंसेस रहेंगे उसका हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेज या स्टेप रहेगा कॉस्ट अपोर्शनमेंट, उसमें हम जाएंगे। कॉस्ट अपोर्शनमेंट, देर आर सम आइटम्स ऑफ एस्टिमेटेड ओवरहेड्स लाइक द सैलरी ऑफ द वर्क मैनेजर विच कैन नॉट बी डायरेक्टली अलोकेटेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स। सच अनअलोकेबल एक्सपेंसेस आर टू बी स्प्रेड
over the various departments or cost centers on the basis of two principles. This is called apportionment. Thus, apportionment implies the allotment of proportions of items of cost to cost centers or departments. After this stage, all the overheads cost would have been either allocated to or apportioned over the various departments. यहाँ पर जो भी ऐसे unallocated overheads होंगे, जो सीधा ही पता नहीं है कि किसका हुआ है, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स का एक्सपेंस है, उन्होंने बेनिफिट लिया है, तो उन सभी को हम कोई वैलिड बेसिस के ऊपर हम उनको अपोर्शन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, उसमें एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बनती है, दो डिपार्टमेंट है, दोनों ही 50-50% एरिया कवरअप किया है, तो जो भी रेंट एक्सपेंस है दोनों में ही हाफ में डिवाइड कर देंगे. अगर एक्स का 30% है और 70% वाई का है, तो 30-70 के रेशियो में हम अपोर्शन कर देंगे. राइट, हो सकता है कि वो फैक्ट्री के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी अलग से बैठा हुआ है, तो उनको भी हम अलोकेट करेंगे. यहाँ पर मतलब अपोर्शन करेंगे. तो पहले कॉस्ट एलोकेशन जो डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट का है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद जो अनअलोकेबल एक्सपेंसेस होंगे उसे हम अपोर्शन करेंगे ऑन वैलिड बेसिस. राइट, देन रीअपोर्शनमेंट अप टू द लास्ट स्टेज, ऑल ओवरहेड आर अलोकेटेड एंड अपोर्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स. यहां तक क्या हुआ कि जो हमने फर्स्ट अपोर्शनमेंट करेंगे उसमें जितना भी ओवरहेड्स था वो सभी डिपार्टमेंट्स को हमने अलोकेट कर दिया, वो प्रोडक्शन भी होंगे और सर्विस डिपार्टमेंट भी होंगे. प्रोडक्शन मतलब कि जो मेन एक्टिविटी है हमारी, प्रोडक्ट हो या सर्विस, दोनों ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कवर अप होंगे. सर्विस डिपार्टमेंट मतलब कि जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है टू दैट मेन एक्टिविटी. राइट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, एचआर, कैंटीन, वो सारी चीजें सर्विस डिपार्टमेंट में आएगी. तो उनके जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो तो कुछ कमा कर नहीं आता है, मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही कमा कर आता है. तो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस जो ओवरहेड से, उनको भी हमें रीअपोर्शन करना होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट बनने में उस डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस किया. राइट, वो रीअपोर्शनमेंट होगा. Service departments are those departments which do not directly part in the production of goods or providing services. Such departments provide auxiliary services across the entity and render services to other cost centers and in some cases to outside parties. Examples of such departments are engineering, quality control and assurance, laboratory, canteen, store, time office, dispensary, etc. ये डायरेक्टली प्रोडक्शन या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग में नहीं होते, बट इनका भी काम इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी होता है. इनडायरेक्टली वो लोग प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, सेलिंग के लिए हेल्प करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपोर्शन होंगे. द ओवरहेड्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स आर टू बी शेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिंस सर्विस डिपार्टमेंट्स ऑपरेट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड असाइनमेंट और रीअसाइनमेंट और रीअपोर्शनमेंट. तो जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है, जो ओवरहेड्स है, वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपोर्शन करेंगे, उसे रीअपोर्शनमेंट या फिर रीअसाइनमेंट कहा जाएगा. सिंपल. चलिए, एट दिस स्टेज ऑल द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर कलेक्टेड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. यहाँ पर जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिल गए होंगे, ताकि पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट में से कितना बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ. राइट, चलिए समझ में आ गया ना. तो ये अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ये समझ जरूरी है. एब्जॉर्प्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटेड अबव, द ओवरहेड्स चार्ज टू डिपार्टमेंट आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. दिस प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और एनी अदर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम इट्स आउटपुट इज कॉल्ड रिकवरी और एब्जॉर्प्शन. अब वो जो भी उस डिपार्टमेंट को हमने एलोकेट कर दिया ओवरहेड्स, राइट, उस ओवरहेड को हमें प्रोडक्ट में से भी रिकवर करना है, क्योंकि ओवरहेड्स मिलेंगे तभी तो हम प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे. टोटल एक्सपेंस वो एक यूनिट बनाने में कितना हुआ, उसके लिए मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जरूरी है, उतना ही जरूरी ओवरहेड्स भी रहेगा. तो ओवरहेड्स पर यूनिट कितना हुआ वो अलोकेट करना, वो जो असाइन करना है उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा, कि एक यूनिट कितना एब्जॉर्ब करेगा, उसे हम वैलिड बेसिस पर एब्जॉर्ब करेंगे. वो मशीन और लेबर और कुछ भी हो सकते हैं, जो हमें आगे समझना रहेगा, तो उससे हमें पता चलेगा वो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी हुई, उसमें हम कुछ प्रॉफिट जो हमने अगर प्रीडिटरमाइंड है या फिर उस हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट होगा वो पता चलेगा, और सेलिंग प्राइस भी इवन डिसाइड करना होगा तो वो कर पाएंगे. तो वो ओवरहेड कितना हुआ पर यूनिट वो हमें एब्जॉर्ब करना रहेगा. राइट, वो पर प्रोडक्शन पर यूनिट कितना होता है वो हमें जानना होगा, इसीलिए ये सारे प्रोसेस करना नेसेसरी हो जाएगा. Absorption of manufacturing overheads shall be as follow. Variable manufacturing overheads, the variable manufacturing overheads shall be over absorbed on the basis of actual production, kitna actual production hua, jabki fixed manufacturing overheads
ओवर शेल बी अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, कितनी नॉर्मल कैपेसिटी है उस हिसाब से उसे हमें अब्सॉर्ब करना होगा, वो आगे आएगा। तो ओवरहेड एक्सपेंस कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय एस्टिमेटिंग द ओवरहेड्स एस असाइंड अबव एंड देन वर्किंग आउट एन अब्सॉर्प्शन रेट। व्हेन ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड देयर अब्सॉर्प्शन इज कैरीड आउट बाय अडॉप्टिंग अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट। दिस रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एनी वन मेथड एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। एंड उसके लिए एब्जॉर्प्शन जो भी होगा उसे प्री डिटरमाइंड रेट हम असाइन करेंगे, ढूंढेंगे वो किस तरह से होगा कि एस्टिमेटेड ओवरहेड कितना है और उसका जो बेस रहेगा वो मशीन आर, लेबर आर या फिर लेबर कॉस्ट जो भी है वो कितना रहेगा, उस बेसिस पर पर आर कितना रहेगा ना ओवरहेड्स वो हम कैलकुलेट करेंगे और उस बेसिस पर ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, राइट। फिर अंडर और ओवर रिकवरी सारी चीजें आएगी वो हम बाद में समझेंगे। चलिए फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन वो हम समझने वाले हैं बाद में, अभी नहीं जरूरी है। चलिए देन स्टेप्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ये एक बार फटाफट समझ लेते हैं। इसमें जो भी हमने समझा उसकी समरी दी गई है। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स थ्रू बजट प्रोसेसिंग। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब सर्विस के ऑर्डर्स होंगे कि क्या क्या हमें मंगवाना है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करने हैं, वो सभी के लिए वहां से हमें एस्टिमेशन पता चलेगा कितना ओवरहेड्स होगा। उसे हम अलोकेट करेंगे, जो भी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर है वो स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट को एक्सपेंस दे देंगे। फिर अपोर्शनमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड और ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट अदर सूटेबल बेसिस। जो भी ओवरहेड्स रह गए हैं वो जो डायरेक्टली नहीं है वो स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर नहीं है, उसको हम प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर देंगे वैलिड बेसिस के। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट जो भी है, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स जो भी है, जिसका प्रोडक्शन या सर्विस रेंडरिंग से कुछ काम नहीं है, वो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम उनका जो ओवरहेड्स है वो रीअपोर्शन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, राइट। वहां से हमें जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितने भी है उन सभी का टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा जिससे हम एब्जॉर्ब करेंगे वैलिड बेसिस पर, राइट। तो एब्जॉर्प्शन बाय एक्चुअल यूनिट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट्स, सिंपल ये पूरी प्रोसेस रहेगी। ये अच्छे से समझ गए होंगे तो ये ओवरहेड्स चैप्टर आपको सिंपल लगेगा। चलिए एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। अमाउंट ऑफ ओवरहेड इज रिक्वायर्ड टू बी एस्टिमेटेड। द एस्टिमेशन इज यूजुअली डन विद रेफरेंस टू पास्ट डेटा एडजस्टेड फॉर नॉन फ्यूचर चेंजेस। द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर यूजुअली कलेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। कितना एक्सपेंसेस हम हो सकता है ओवरहेड्स कितना हो सकता है उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्विस ऑर्डर्स वगैरह बनेंगे, तो उस ऑर्डर्स के बेसिस पर हम एस्टिमेट करेंगे कितना एक्सपेंडिचर होगा और जो भी फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। कोई प्राइस फ्लक्चुएशन या ऐसे कोई चीजें हमें पता है तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे। चलिए ये स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह वो सारी चीजें आप एक बार पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स ओवर वेरियस डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ ओवरहेड्स, राइट। वो सारी जितने भी ओवरहेड्स हुए हैं, राइट, वो हम वेरियस कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स को अलोकेट करेंगे जो उनका मेन एक्सपेंडिचर जिस तरह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने आगे लिया था कि रेंट है, अगर वो फैक्ट्री का रेंट है और वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्स बनाती है तो वो प्रोडक्ट एक्स के लिए ही हमें अलोकेट करना रहेगा। जो प्रोडक्ट वाई है उनकी अलग जगह पर वो बनता है तो प्रोडक्ट वाई का जो एक्सपेंस है वो फैक्ट्री वाई पर ही रहेगा, वो उसे हम अलोकेशन कहेंगे। ये अलोकेशन के क्या एडवांटेजेस है वो समझते हैं। ये आप आ जाइए, राइट, यहाँ पर जो थियरी है वो आप एक बार नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, समझ में आ गया हो तो चलेगा। चलिए उसके एडवांटेजेस क्या है। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज गिव राइज टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस। बेटर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस। सम एक्सपेंसेस विच रिलेट टू डिपार्टमेंट्स विल बी एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट ऑन एन एग्जैक्ट बेसिस एंड टू द एक्सटेंट द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स विल बी हायर। डिपार्टमेंट वाइज अगर हमें ओवरहेड्स मिल रहे हैं तो वो बेस्ट है, उसे अलोकेट कर दिया, काम खत्म। हम उसमें कोई भी अलग बेसिस पर उन्हें अज्यूम करके हमें अपोर्शन नहीं करना होगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो ज्यादा एक्यूरेट एक्सपेंस बताएगा हमें। बेटर कंट्रोल। फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एक्सपेंसिस इन अ डिपार्टमेंट इट इज ऑब्वियसली नेसेसरी दैट द फिगर्स इन रिलेशन टू ईच डिपार्टमेंट शुड बी सेपरेटली अवेलेबल। इट इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल दैट वन शुड नो फॉर ईच एक्टिविटी हाउ मच शुड हैव बीन स्पेंट एंड हाउ मच इज एक्चुअली स्पेंट। एक्चुअल में कितना स्पेंड हुआ है वो हमें एक्चुअल अगर डिपार्टमेंट वाइज हमने एलोकेशन किया होगा तभी पता चलेगा, तो हम उससे अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएंगे। If information about expenses available only for factory as a whole, it will not be possible to know which department has been overspending. अगर as a factory whole ही पता होगा तो कौन सा department actual में कितना ज्यादा spend कर रहा है वो नहीं पता चलेगा, वो department wise होगा तभी पता चलेगा।
ascertainment of cost for each department from the point of view of ascertaining the cost of each job, the expense incurred in the departments through which the job or the product has passed should be known. It is only that the cost of job or the product can be charged with the appropriate share of indirect expenses. हमें job wise कितना expenses हुआ है वो जानने के लिए, वो ascertain करने के लिए हमें ये department wise cost हमें beneficial होगा. It is not necessary that a job must pass through all departments or that the work required in each department should be the same for all jobs. ऐसा जरूरी नहीं कि इस काम सभी, मतलब जो भी product है वो सारी job जितनी भी job है वो सारी processes में से pass हो, या फिर वो सभी जॉब में वो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो, वो सारी चीजें जरूरी नहीं है, बट हमें डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस पता होना चाहिए. इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट ओनली एप्रोप्रिएट चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क डन इन द डिपार्टमेंट इज मेड. दिस कैन बी डन ओनली इफ ओवरहेड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट आर नोन सेपरेटली. सिंपल. Then suitable method of costing. A suitable method of costing can be followed differently for each department. For example, batch costing when a part is manufactured, but singular or output costing when the product is assembled. Right? हम अलग अलग method भी use कर सकते हैं. अगर हमारा अलग अलग type की product है तो उसमें अलग अलग type का method use कर पाएंगे. Methods क्या थी वो हमने chapter 1 की theory में समझा था. Right? और ये सारी जो methods है वो हमारे अलग अलग separate chapters भी है, तो वहां पर भी हम समझ पाएंगे. Right? तो ये सारे उनके benefits रहेंगे. Suitable method of costing. Then ascertainment of cost for each department, then better control and better estimation of expense. ये आपको theory में पूछ सकते हैं, ये आप अच्छे से कीजिएगा, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Apportioning overhead expense over various departments. जो भी common expense हुआ है for more than one cost center या फिर department, उनके जो expenses हैं उनको हम apportion करेंगे. जिस तरह से जो भी department है cost center से उन्होंने benefit receive किया, उस basis पर हम apportion करेंगे. तो वो apportion कैसे करेंगे, वही चीज यहाँ पर दी गई है. ये paragraph आप ignore कर सकते हैं. उनके जो भी expense है उनको कौन से basis पर हम apportion करेंगे, ये table में दिया हुआ है. ये important है, ये theory में भी पूछ सकते हैं और practical के लिए भी आपको समझना रहेगा. चलिए, यहाँ पर overhead cost है और यहाँ पर base of apportionment है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवरहेड कॉस्ट है वो रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस है, या फिर लाइटिंग एंड हीटिंग कंडीशनिंग है, फायर प्रिकॉशन सर्विस या फिर एयर कंडीशनिंग है, तो हमारा जो बेस ऑफ अपोर्शनमेंट होगा वो होगा फ्लोर एरिया और वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट. राइट, क्योंकि फ्लोर एरिया है वो वैलिड बेसिस होगा ऐसे एक्सपेंसिस को अलोकेट अपोर्शनमेंट करने के लिए. देन परक्विजिट्स, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस सुपरविजन, अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंस है तो नंबर ऑफ वर्कर्स, कंपेंसेशन ऑफ वर्कर्स, हॉलीडे पे, ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन, परक्विजिट्स है तो डायरेक्ट वेजेस. अब आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पर परक्विजिट्स है तो नंबर ऑफ वर्कर्स और यहाँ पर परक्विजिट्स है तो डायरेक्ट वेजेस. दोनों में ही अगर परक्विजिट्स ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल कैंटीन फैसिलिटी दे रहे हैं कि सभी को एक ही टाइप का खाना मिल रहा है, तो वो पर्सन वाइज होगा. तो ऐसे परक्विजिट्स है तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर अपोर्शन होने चाहिए. अगर कोई ऐसा परक्विजिट्स है कि उनको जो कैडर है उनके जो पोजिशन है उस हिसाब से उनको क्वार्टर मिल रहा है रहने के लिए, तो वहां पर उनके डायरेक्ट वेजेस वुड बी द बेस्ट बेस टू अपोर्शन. देन जनरल ओवरहेड से डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट वेजेस और मशीन आवर. जनरल ओवरहेड है तो लेबर आवर, वेजेस, मशीन आवर के बेसिस पर हम अपोर्शन करेंगे. डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो कैपिटल वैल्यूज के बेसिस पर अपोर्शन हो सकता है. पावर और स्टीम कंजम्पशन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट या फिर मैनेजरियल सैलरीज है तो उसे टेक्निकल एस्टिमेट्स के बेसिस पर अपोर्शन किया जा सकता है. लाइटिंग एक्सपेंस और लाइट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स और एरिया और मीटर्ड यूनिट्स, लाइटिंग एक्सपेंस है तो ये अपोर्शनमेंट का बेसिस हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक पावर, मशीन ऑपरेशन है तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ मशीन आर और वैल्यू ऑफ मशीन और यूनिट्स कंज्यूम, ये सारे बेसिस हो सकते हैं. मटेरियल हैंडलिंग या स्टोर्स ओवरहेड है तो वेट ऑफ मटेरियल्स और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स और वैल्यू ऑफ मटेरियल्स और यूनिट ऑफ मटेरियल्स हो सकते हैं. तो ये जो बेसिस है ये आपको थियरी में भी पूछ सकते हैं. मतलब यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट दे दिया होगा आपको, आपको उनके लिए बेस लिखना होगा, हाफ मार्क ऑफ ईच ओवरहेड कॉस्ट या फिर बेस हो सकता है. राइट, और ये प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो अच्छे से समझिएगा. देन सम अदर बेसिस ऑफ अपोर्शनिंग ओवरहेड कॉस्ट दिए हुए हैं, कुछ अलग अलग बेसिस भी है, जैसे एनालिसिस और सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, एबिलिटी टू पे और एफिशियंसी और इंसेंटिव. एनालिसिस और सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ जानेंगे कि कौन सा एक्सपेंस किसके लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से है, और उस बेसिस पर अपोर्शनमेंट होगा.
एबिलिटी टू पे, जिस तरह से जो डिपार्टमेंट अर्न करता है उनकी जो एबिलिटी है वो कितना पे कर सकते हैं उनके बेसिस पर उसे अपोर्शन किया जाएगा। और थर्ड है एफिशिएंसी और इंसेंटिव, कौन से डिपार्टमेंट कौन से कॉस्ट सेंटर की कितनी एफिशिएंसी है, कितना इंसेंटिव है उनके पास, किस तरह से कर सकते हैं, तो उस बेसिस पर अपोर्शन करेंगे। ये थियरी में पूछ सकते हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं। चलिए, देन डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट दिया हुआ है। एलोकेशन, एलोकेशन डील्स विद द होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट व्हिच आर आइडेंटिफाइबल विद एनी वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट वेजेस ऑफ थ्री डिपार्टमेंट्स आर सेपरेटली ऑब्टेंड एंड हेंस ईच डिपार्टमेंट विल बी चार्ज्ड बाय द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ वेजेस इंडिविजुअली। एलोकेशन में हमें पता है कि ये एक्सपेंस जो है वो स्पेसिफिक इस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, तो उसी डिपार्टमेंट को सीधा ही एलोकेट किया जाएगा, राइट। यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस का एग्जाम्पल दिया है कि वो हमें थ्री डिपार्टमेंट्स के लिए, बट तीनों ही डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो सीधा एलोकेट हो जाएगा। अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट डील्स विद द प्रोपोर्शंस ऑफ एन आइटम ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन दोज डिपार्टमेंट्स व्हिच हैज अवेल्ड दोज बेनिफिट्स। अपोर्शनमेंट में कॉमन एक्सपेंस होगा मोर देन वन डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर, तो उनको जिस तरह से उन्होंने बेनिफिट रिसीव किया है उस बेसिस पर हम अपोर्शन करेंगे। अलोकेशन इज अ डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एक्सपेंस टू अ डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स। अलोकेशन है वो डायरेक्ट प्रोसेस है कि इस डिपार्टमेंट का, इस कॉस्ट सेंटर का एक्सपेंस इतना हुआ। While apportionment is an indirect process because there is a need for the identification of the appropriate portion of an expense to be borne by the different departments benefited. Apportionment है वो indirect process है, right? जिसमें हम identify करेंगे appropriate जो भी basis रहेगा, उस basis पर हम उसे apportion करेंगे. The allocation or apportionment of an expense is not dependent on its nature, but the relationship between the expense and the cost centers, cost center decides the whether it is to be allocated or apportioned. Allocation or apportionment है वो किस तरह से करना है, वो उनके नेचर जो भी है उनसे ज्यादा उनके रिलेशनशिप है, एक्सपेंस और कॉस्ट सेंटर के बीच की जो रिलेशनशिप है उनके बेसिस पर डिसाइड हो सकता है। Allocation is a much wider term than apportionment, right? चलिए, ये apportionment और allocation था। अब reapportionment of service department overheads over production departments। रीअपोर्शनमेंट मतलब कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी जो एक्सपेंसेस हमने अपोर्शन किए हैं वो सारे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन किए जाएंगे, राइट। चलिए, वो कौन से बेसिस पर हो सकते हैं, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है थियरी और प्रैक्टिकल के लिए। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स और उनका बेसिस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप है, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस है, टूल रूम है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर वेजेस, असेट वैल्यू इनटू आवर्स वर्क, वो हमारा बेस हो सकता है। अगर कैंटीन एंड वेलफेयर है या फिर हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, तो ये वर्कर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयज के साथ जुड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकता है। फिर टाइम कीपिंग है, तो नंबर ऑफ कार्ड पंच्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस हो सकते हैं। कंप्यूटर सेक्शन है, तो कंप्यूटर आवर्स, स्पेसिफिक एलोकेशन टू डिपार्टमेंट्स, ये हमारा बेस हो सकता है। पावर हाउस, इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट है, तो फ्लोर एरिया, क्यूबिक कंटेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, वोल्टेज, वो हो सकता है। देन पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट है, तो हॉर्स पावर, किलोवाट आवर्स, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, किलोवाट आवर्स इंटू मशीन आवर्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देन स्टोर्स डिपार्टमेंट है, तो नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, वेट और वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इश्यूड, ये बेस हो सकता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्रेन आर्स, ट्रक आर्स, ट्रक माइलेज, ट्रक टोनेज, ट्रक टन आर्स, टोनेज हैंडल्ड, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड साइज। देन फायर प्रोटेक्शन है, तो कैपिटल वैल्यूज, इंस्पेक्शन है, तो इंस्पेक्शन आर्स, ये सारे बेसिस हो सकते हैं, राइट। फिर ये नोट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इग्नोर कर सकते हैं। अब ये रीअपोर्शनमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसकी मेथड्स क्या है, यहाँ पर हमें तीन मेथड्स दी गई हैं। डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप मेथड और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, राइट। ये प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये समझते हैं, सबसे पहले दिया है डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अंडर दिस मेथड आर अपोर्शन ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। सिर्फ यहाँ पर जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपोर्शन किए जाते हैं। इग्नोरिंग द सर्विस डिपार्ट सर्विस रेंडर्ड बाय अदर सर्विस डिपार्टमेंट टू द अदर। हम यहाँ पर ऐसा फैक्ट है या नहीं पता नहीं है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है
वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहा है ऐसा हम अज्यूम करते हैं, राइट। उस फैक्ट को हम इग्नोर करते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स है वो सीधा ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हम अपोर्शन कर देंगे, राइट। डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड काफी ईजी रहती है। ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो समझते हैं। एक्सेल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स। द एक्सपेंस फॉर दिस डिपार्टमेंट्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलो। उनके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ए, बी और सी है, उनका एक्सपेंस 30 लाख, 26 लाख और 24 लाख से टोटल 80 लाख। सर्विस डिपार्टमेंट्स है स्टोर्स, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, पावर एंड कैंटीन, 4, 3, 1.6 लाख एंड 1 लाख, टोटल 9,60,000 है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। हॉर्स पावर ऑफ मशीन, मतलब यहाँ पर हमें 3 जो डिपार्टमेंट है उनके कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी के। हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं और वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन इन रुपीज दिए हुए हैं, जो हमें रिअपोर्शन करने में हेल्पफुल रहेंगे। ये जो सारे सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स है उनको हम इस बेसिस पर, ये जो यहाँ पर बेसिस दिए हैं उस बेसिस पर हम रिअपोर्शनमेंट करेंगे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होगा उसमें जनरली मेथड आपको स्पेसिफाई करके ही देंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो भी सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस दे रहे हैं, तो उसको हम अलोकेट करेंगे। स्टोर्स यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है, तो वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन इन रुपीज है उनके बेसिस पर कर सकते हैं। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स है, तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर हो सकता है। पावर है, पावर जो भी है वो हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस पर होगा। और कैंटीन जो है तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर करेंगे। चलिए, यहां पर दिया है आइटम्स ऑफ कॉस्ट है, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट और टोटल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी और सी को कितना कितना हम रिअपोर्शन करेंगे वो दिया है। ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जो हमें तीनों ही डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दिया हुआ था वो सीधा ही हमने मेंशन कर दिया, टोटल 80 लाख है। फिर स्टोर्स का है, तो नंबर वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन जो है उनके बेसिस पर हम करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। देखिए 250, 150 और 1 लाख, राइट। तो हम 5 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर 5:3:2 के बेसिस पर हम अपोर्शन कर देंगे, जो पूरा ही 4 लाख था उसे 2 लाख, 120 और 80,000। फिर टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स है, तो उसे नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर कर देंगे, राइट। पावर है तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन, और कैंटीन है तो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर हो जाएगा, सिंपल। और उसका टोटल कर दिया है और ये हमारे रीअपोर्शनमेंट हो गया, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस था वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन कर दिया। सिंपल, काफी ईजी एग्जाम्पल था ये। चलिए, देन सेकंड मेथड है स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस देता है, बट जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट को नहीं देता है, एक ही सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को देते हैं, राइट। तो ये भी इजी मेथड है। दिस मेथड गिव्स कॉग्निजेंस टू द सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। देयरफॉर एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस मेथड, दिस मेथड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज अ सीक्वेंस ऑफ अपोर्शनमेंट हैज टू बी सिलेक्टेड हियर। मतलब यहां पर क्या है कि पहले जो हमने मेथड देखी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, उसमें तो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस नहीं देता है, वैसा ही हम अज्यूम करते हैं। यहां पर कैसा है, जो स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड है उसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज देते हैं, तो किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। The sequence here begins with the department that renders maximum number of service to the other service department. यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि जो service department ज्यादा services देता है वहां से हम start करेंगे, step wise जाएंगे। In other words, the cost of the service department that serves the largest number of services to the other service departments and production departments is distributed first. जो ज्यादा सर्विस देता है उनको हम सबसे पहले अपोर्शन रीअपोर्शन करेंगे। आफ्टर दिस द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्विंग द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज अपोर्शन। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कॉस्ट ऑफ लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन। द कॉस्ट ऑफ लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन अमंग ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। जो लास्ट में जो सर्विस डिपार्टमेंट होगा वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन नहीं करेंगे। Some authors are of the view that the cost of service departments will with largest amount of cost should be distributed first. ठीक है, चलिए उसका example illustration दिया है
वो समझते हैं. इलस्ट्रेशन टू, सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर इज अंडर. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें गलती मत कीजिएगा. कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी. कई बार आप स्टार्टिंग ही मिस कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हुए होते हैं जिनसे पूरा ही क्वेश्चन, पूरी भावनाएं बदल जाती है. तो वो अच्छे से समझिएगा और अच्छे से रीड करिएगा. डिपार्टमेंट है एक्स वाई ए और बी, राइट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी है और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई है. उनके अमाउंट्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अपोर्शनमेंट के बेसिस दिए हैं. वाई ए और बी, मतलब डिपार्टमेंट एक्स है वो वाई को कितनी सर्विस देता है, 25%, ए को 40 और बी को 35, टोटल 100% सर्विस हो गए. देन डिपार्टमेंट वाई है वो ए और बी को ही देते हैं, वो एक्स को कुछ भी सर्विस नहीं देते हैं. यहां पर एक्स की कोई कॉलम ही नहीं है, राइट, और ए और बी का तो कुछ नहीं आएगा. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग स्टेप मेथड, राइट. तो यहां पर हमें सबसे पहले किसका कॉस्ट ऑफ ऑल अपोर्शन करेंगे, एक्स डिपार्टमेंट का, देन वाई डिपार्टमेंट का करेंगे. चलिए, समरी ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट इज गिवन अबव, 2,150,000 और 3,320,000 उस तरह से दिया हुआ है. अब एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज अपोर्शन अमंग अदर डिपार्टमेंट वाई ए एंड बी. यहां पर हमें 25, 40 और 35% के रेशियो में ही डिवाइड करना रहेगा. तो ये जो 2 लाख है उसे हमने 25, 40 और 30% में डिवाइड कर दिया. तो इस तरह से आएगा, यहां पर नेगेटिव होगा इसलिए यहां पर टोटल जीरो हो जाएगा. और यहां पर Y का जो एक्सपेंस पहले 150 था वो 50,000 हो गया, तो 2 लाख बन जाएगा. तो वो 2 लाख से वो A और B को अलोकेट अपोर्शनमेंट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ 40% and 60%. चलिए, तो डिपार्टमेंट Y का जो अपोर्शन एक्सपेंस है वो अपोर्शन करेंगे A और B को इन 40% and 60%. सिंपल. तो इसी तरह से ये X और Y में नील हो जाएगा और ये सब कुछ A और B को रीअपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि X और Y डायरेक्टली प्रोडक्शन या सर्विस रेंडरिंग में सीधा ही उनका कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है. सिंपल. ये हमारी सेकंड मेथड थी, स्टेप मेथड या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड. अब थर्ड मेथड है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड. दिस मेथड रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट वेयर देयर आर टू और मोर सर्विस डिपार्टमेंट्स दैट मे रेंडर सर्विसेज टू ईच अदर एंड देयरफॉर दिस इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज आर टू बी गिवन ड्यू वेट व्हाइल रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट. यहां पर हम ऐसा फैक्ट को ध्यान में रखेंगे कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देंगे और उन सभी को वेट मिलना चाहिए. उसके लिए भी हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सबसे पहले समझते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. सर्विस डिपार्टमेंट्स आर असर्टेंड, ठीक है, यहां पर कुछ खास दिया नहीं है, उसी इलस्ट्रेशन 3 का ही उन्होंने सीधा रेफरेंस दिया हुआ है, उसी में समझेंगे. सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस, यहां पर हमारे पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, बॉयलर हाउस एंड पंप रूम. 3,60,000 टोटल 3,60,000 हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है. द अलोकेशन बेसिस इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट का किस तरह से होगा. जो बॉयलर हाउस का एक्सपेंस है वो ए को 60%, बी को 35% और पंप रूम को 5%, दैट इज टोटल 100%. पंप रूम है उनका ए को 10%, बी को 40% और बॉयलर हाउस को 50%. मतलब यहाँ पर बॉयलर हाउस है वो पंप रूम को भी सर्विस देते हैं और पंप रूम है वो बॉयलर हाउस को भी सर्विस देते हैं. तो यहाँ पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हमें अपोर्शन रीअपोर्शनमेंट करना है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, बॉयलर हाउस और पंप रूम है उनका जो एक्सपेंस है उनको हम अज्यूम करेंगे. पहले टोटल एक्सपेंस ऑफ द टू सर्विस डिपार्टमेंट्स विल बी डिटरमाइंड एज फॉलो. लेट बी स्टैंड फॉर बॉयलर हाउस एक्सपेंस एंड पी फॉर पंप रूम एक्सपेंस. यहां पर हमें इक्वेशन बनाना है. तो बी का, बॉयलर हाउस का कितना एक्सपेंस होगा. बॉयलर हाउस का ऑलरेडी एक्सपेंस कितना है, 3 लाख रुपीज. पर उसमें जो बॉयलर हाउस है उनका जो एक्सपेंस है उसमें पंप रूम का भी एक्सपेंस रहेगा, तो उसको भी हमें कंसिडर करना रहेगा, क्योंकि पंप रूम है वो बॉयलर हाउस को सर्विस देता है और उसको कितना अलोकेट करते हैं, 50% अलोकेट करते हैं. तो ये जो 60,000 है उनका 50% है वो बॉयलर हाउस को भी ऐड होगा. तो जो बॉयलर हाउस बी का जो टोटल एक्सपेंस है वो 3 लाख प्लस 0.5p होगा. बट पी हमें यहां पर पता है कि 60,000 है, बट एक्चुअल में वो 60,000 ही नहीं है, उसमें बॉयलर हाउस का भी थोड़ा सा पोर्शन आएगा. अब आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि बॉयलर हाउस पंप रूम को दे रहा है, पंप रूम बॉयलर हाउस को दे रहा है, तो वो जो भी पोर्शन एक दूसरे को देंगे ना वो फिर से अलोकेट करते रहना है. इसीलिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे कि बॉयलर हाउस का जो टोटल एक्सपेंस है वो 3 लाख प्लस 0.5p
0.5 है, 50% है इसलिए 0.5 है। और जो पी पावर हाउस पावर रूम है उनका एक्सपेंस किस तरह से, पंप रूम है उनका एक्सपेंस किस तरह से होगा, 60,000 प्लस 0.05 भी, क्योंकि वो 5% है जो बॉयलर हाउस यहाँ पर होता है, राइट। ये पंप रूम है वो बॉयलर हाउस का 5% उनको अलोकेट करना है इसीलिए, राइट। तो ये दोनों हमारे इक्वेशन बन गए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वैल्यू ऑफ बी है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60,000 प्लस 0.05, और यहां पर जो बी है वो तो हमें पता है ये रहा, तो 3 लाख प्लस 0.5 पी, राइट। उसे हम मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हैं। तो हमें पी पावर जो पंप रूम है उनका एक्सपेंस कितना मिलेगा, 76,923। पहले हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60,000, बट एक्चुअल में जो बॉयलर हाउस है उनका भी एक्सपेंस उनको अलोकेट होगा, अपोर्शन होगा, तो वो फिर कितना बन जाएगा, 76,923। और फिर सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर बॉयलर हाउस जो है उनका भी मिल जाएगा, दैट इज 3,38,462। तो वो जो 3,38,462 और 76,923 उसे हमें अलोकेट कर देना होगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। सो बॉयलर हाउस जो भी है उसका 60% एंड 35% ऑफ रुपीज 338,462 यहाँ पर हम डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को अलोकेट कर देंगे, और पंप रूम है उनका 10% एंड 40% है, राइट, वो डिपार्टमेंट ए और बी को हम रिअपोर्शन कर देंगे। जो यहाँ पर दिया हुआ है हमें फिगर्स उसी को कंसिडर हम करेंगे। चलिए, तो जो टोटल एक्सपेंस ऑफ होगा वो ए और बी का वो अपोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाया है इसलिए दोनों की ही इफेक्ट आ गई है। फिर भले ही हम यहाँ पर 60 और 35 करके सिर्फ 95% हो रहे हैं, बट वो 5% भी अपने आप अपोर्शन हो गया। यहाँ पर भी हम 10 और 40 50 कर रहे हैं, बट वो सारी चीजें अपोर्शन हो गई है, राइट। यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो ये 360 बन जाएगा। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट जो हमारी रेसिप्रोकल मेथड थी उसमें फर्स्ट मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड थी। अब थर्ड देखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। According to this method, the cost of one service cost center is apportioned to another service cost center. The cost of another service center plus the share received from the first cost center is again apportioned to the first cost center. मतलब आप यहाँ पर जो पहला सर्विस कॉस्ट सेंटर का जो एक्सपेंस होगा वो दूसरे कॉस्ट सेंटर को मिलेगा, मिला होगा, तो वो टोटल होके फिर से वो फर्स्ट कॉस्ट सेंटर को भी हमें दिया जाएगा, तो ट्रायल एंड एरर चलता रहेगा। This process is repeated till the amount to be apportioned becomes negligible. That means repeated distribution method is followed to the extent of service departments only. All apportioned amounts for each service cost center are added to get the total apportioned cost. ये सिर्फ service department में ही होता रहेगा, जहां जब तक negligible amount आ जाएगी वहां तक हम apportionment करते ही रहेंगे। This total service cost center costs are redistributed to the production department. Trial and error method and simultaneous equation method gives the same result. चलिए, illustration 4 देखते हैं। Illustration 3 में वो आप कर सकते हैं trial and error, वो बाद में देख लेना, पहले illustration 4 समझ लेते हैं, उसके बाद illustration 3 था उसमें आप trial and error method कर सकते हैं। चलिए, illustration 4 है। Sens Limited is a manufacturing company having 3 production department A, B and C and 2 service departments X and Y. The following is the budget for the December 2021. 3 production department है A, B and C और 2 service departments है X and Y. Direct material, direct wages दिए हैं A, B और C के और X and Y के। तो यहाँ पर जो A, B and C के direct material और direct wages है तो उनको ही रहेंगे वो तो, but X और Y के direct material और direct wages है वो overheads बन जाएंगे। Factory rent है 4 lakhs, power है 250, depreciation 1 lakhs और other overheads है 9 lakhs, but वो हमें total दिया है, वो हमें ABC और XY के basis पर नहीं दिया है, तो उसे पहले हमें allocate तो नहीं हो पाएगा, ये जो पहला हुआ वो ठीक है, वहाँ पर हमें specific department wise दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, जो ये X और Y के जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिए हैं ये अलोकेशन कह सकते हैं, ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज है। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपेंस है फैक्ट्री रेंट पावर डेप्रिसिएशन और अदर ओवरहेड्स, उससे हमें अपोर्शन करना होगा टू ऑल दिस 5 डिपार्टमेंट्स, ये 5 ही डिपार्टमेंट में अपोर्शन होंगे ऑन वैलिड बेसिस, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एरिया स्क्वायर फिट है 5 ही डिपार्टमेंट के, कितना एरिया है वो दिया है, तो उससे हमारा फैक्ट्री रेंट अपोर्शन हो जाएगा। फिर कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स दी है इन रुपीज इन लैक्स है, राइट, सभी का दिया है, तो उससे हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मशीन आर्स दी है 1000 से लेकर 5 डिपार्टमेंट का मशीन आर्स दिया है, और
उससे हम अदर ओवरहेड्स अलोकेट कर पाएंगे क्योंकि मशीन आर वैलिड बेसिस बन जाएगा और हॉर्स पावर ऑफ मशीन से वो दिया है। यहाँ पर हॉर्स पावर ऑफ मशीन और मशीन आर्स दोनों को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपना पावर है वो अपोर्शन कर पाएंगे, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। देन अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर, मतलब जो पहले हम अपोर्शन, ये जो चारों ही एक्सपेंस थे उनको हम अपोर्शन करेंगे सभी पांचों डिपार्टमेंट में, उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनका जो एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन होगा, तो वो उनके लिए बेस दिया हुआ है राइट, ए बी और सी के लिए और वाई के लिए, जो एक्स का है और वाई का है तो वो ए बी और सी में कुछ भी नहीं है और एक्स को कितना होगा वो दिया गया है राइट। Prepare statements showing distribution of overheads to various departments. यहाँ पर हमें सिर्फ distribution करना है overheads का to various departments और a statement showing redistribution of service department expense to production department using trial and error method. चले तो यहाँ पर हमारा सब कुछ आ जाएगा, allocation already दिया है हमें apportion करना है, उसके बाद जो overheads मिलेगा service departments का वो हम reapportion करेंगे, trial and error method से है तो एक दूसरे service department को देंगे वो जहां तक negligible हो जाएगी, उसके बाद जो overheads रहेगा वो हम production departments को reapportion करेंगे। चलिए overhead distribution summary है, direct material जो भी है, direct wages जो भी है वो कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ओवरहेड्स के बारे में है इसलिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ए बी और सी का है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा, वो ओवरहेड का पार्ट नहीं होगा, बट एक्स और वाई का जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस है वो ओवरहेड का पार्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद आप गलती करेंगे यहाँ पर राइट। तो यहाँ पर 2 लाख 1 लाख और यहाँ पर 1 लाख 2 लाख जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था वही सारी चीज लिखी है। फिर फैक्ट्री रेंट है तो यहाँ पर एरिया बेसिस, एरिया यहाँ पर हमें दिया था उसी को हम बेस, यहाँ पर जो एरिया दिया है उसी को हम बेस लेकर रेंट एक्सपेंस जो भी है 4 लाख का उसे हम अपोर्शन करेंगे। फिर पावर दिया है तो एचपी हॉर्स पावर इनटू मशीन आर्स करना है जो मैंने समझाया था उसी के बेसिस पर करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन है वो कैपिटल वैल्यू के बेसिस पर करेंगे और अदर ओवरहेड्स उसका कोई भी स्पेसिफिक बेस नहीं दिया है तो मशीन आर वुड बी द बेस्ट तो उसे हम कंसिडर करेंगे राइट। उस तरह से पूरा ही अपोर्शनमेंट हो जाएगा, आप एक बार कर लीजिएगा कैलकुलेट तो समझ में आ जाएगा और उससे हमें टोटल ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज मिल गया। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस राइट बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड, तो यहाँ पर सिर्फ हमें सर्विस डिपार्टमेंट कंसिडर करना है और उनका जो ये टोटल ओवरहेड्स है उसे हमें रीअपोर्शन करना होगा। तो यहाँ पर 475 और 5,35,000 दिया हुआ है और उसके लिए हमें वैलिड बेसिस भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जो एक्स का एक्सपेंस है वो वाई को 10% जाएगा और वाई का एक्सपेंस है वो एक्स को 5% जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास टोटल ओवरहेड्स तो है 475 ऑफ एक्स एंड 535 ऑफ वाई, तो उससे हम एक्स के जो एक्सपेंस है उनको 10% वाई को जाएगा, तो सबसे पहले 10% ऑफ 475 रीअपोर्शन कर रहे हैं हम, तो 475 यहाँ से 10% दैट इज 47,500, तो टोटल बन गया 5,82,500 और ये 475 लाख जो है एक्स का वो सब कुछ रीअपोर्शन हो गया तो वहां पर अब यहाँ पर बन गया 0 राइट। चलिए अब जो वाई डिपार्टमेंट है उनका जो एक्सपेंस है वो रीअपोर्शन करेंगे तो वो टोटल 582,500 है वो ए बी और एक्स को जाएंगे, एक्स को कितना जाएगा 5%, तो 5% ऑफ दिस 5,82,500 बन गया 29,125 और यहां पर जो वाई का हो गया वो 0 बन गया राइट। फिर अब एक्स में फिर से बढ़ गया, पहले नहीं था कुछ राइट, रीअपोर्शन कर दिया था उनका जो 4,75,000 था वो हमने रीअपोर्शन कर दिया था, बट अब जो वाई के पास से मिला 29,125 उसे हमें फिर से रीअपोर्शन करना होगा, तो वो ए बी सी और वाई को जाएगा और वाई को कितना जाएगा 10% जाएगा, तो 2,913 वाई को गया और यहां पर एक्स का फिर से 0 बन गया राइट। अब वाई का फिर से 2,913, पहले तो जो ये 5,82,500 था वो तो 0 हो गया था, अब यहाँ पर फिर से एक्स ने रीअपोर्शन किया इसलिए 2,913 मिला, तो वो 2,913 को फिर से ए बी और एक्स में हमें रीअपोर्शन करना होगा, तो डिपार्टमेंट एक्स को कितना चाहिएगा 5% ऑफ 2,913, तो वो कितना होगा 146 रुपीज। अगर हमें आगे भी जाना है तो उसमें से 146 है वो कितना वाई को जाएगा 14 रुपीज, तो वो बहुत ही कम अमाउंट है तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम रुक गए हैं और यहाँ पर हमारा टोटल जो एक्सपेंस आया 5,04,721 एक्स का और 5,84,413 वाई का, वो हमें सिर्फ ए बी और सी को ही अलोकेट करना है जो प्रोपोर्शन हमें दिए हैं उनमें राइट। तो हमारा यहाँ पर आंसर खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा ही ओवरहेड अलोकेट हो जाएगा राइट, यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन,
जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था वो ए बी और सी का है, तो 270, 370 और 6 लाख आया, वो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया है। फिर डिपार्टमेंट एक्स जो भी है राइट, उसमें से 10% वाई को जाना था, तो उसके अलावा जो 90% है 5,04,000 271 यहाँ पर 271 है उनको 300 किया है, ठीक है वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको 90% है वो ए बी और सी को जो प्रोपोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 45, 15 और 30% जिसमें अलोकेट किया है, और जो डिपार्टमेंट वाई का है वो 60 और 35% में ए और बी को दिया गया है, 95% ऑफ 585, 400 यहाँ पर सिर्फ राउंड ऑफ किया है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी एक्सपेंस मिला है वो आप सीधा ही अलोकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो किया है राइट। तो उनका टोटल ए बी और सी का ओवरहेड से वो यहाँ पर मिल गया, सिंपल। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन था बट ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट सारी चीजें कवर अप हो जाती है। चलिए ये हमारी दूसरी मेथड थी ट्रायल एंड एरर, अब थर्ड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अंडर दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर सर्विस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन एग्रीड परसेंटेजेस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू बी रिपीटेड टिल द फिगर्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर इधर एक्सॉस्टेड और रिड्यूस्ड टू स्मॉल फिगर। ट्रायल एंड एरर में सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस सर्विस डिपार्टमेंट्स को हम अपोर्शन करते रहते थे राइट, जब तक वो नेग्लिजिबल अमाउंट पर ना जाए। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट सभी को रीअपोर्शन करते ही रहना है जब तक वो बहुत ही कम अमाउंट पे ना आ जाए। चलिए तो टेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इलस्ट्रेशन फॉर अबव प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आर रेट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए बी एंड। चलिए तो यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जो भी है एक्स और वाई का जितने भी होगा ओवरहेड राइट वो हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करते ही रहना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऊपर का इलस्ट्रेशन 4 के ही डेटा लिया हुआ है, तो उस हिसाब से जो हमारा सबसे पहला टोटल ओवरहेड मिला यहाँ पर हमें राइट पहले टेबल में से उसे कंसिडर करेंगे, वो हमारा बेस रहेगा। चलिए तो 270, 376, 475 एंड 535। फिर डिपार्टमेंट एक्स का जो ओवरहेड है उसे हमें ए बी सी और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो परसेंटेज क्वेश्चन में दिए थे वही लिए हैं 45, 15, 30 और 10, तो उस हिसाब से ये 475 है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एक्स का तो यहां पर अब टोटल कितना बन जाएगा, वो जीरो हो जाएगा राइट। बट अब डिपार्टमेंट वाई का ये जो 47,500 है उसे ए बी और एक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सी में तो जीरो दिया गया था, तो वो जो परसेंटेज है 60, 35 और 5 उसमें यहाँ पर अलोकेट किया राइट। उस हिसाब से यहाँ पर अब तो वाई भी जीरो बन गया, बट अब ये 29,125 जो एक्स में पहले जीरो था 29,125 मिले हैं, तो उसे फिर से रीअपोर्शन करेंगे 45, 15, 30 और 10 में ए बी सी और वाई के अंदर राइट वो किया, तो उसके लिए यहाँ पर 2912 बना, तो वो 2912 फिर से 60, 35 और 5 में ए बी और एक्स को दिए जाएंगे राइट, उस हिसाब से किया। फिर से यहाँ पर 146 बना तो वो 146 भी रिडिस्ट्रीब्यूट किया, फिर यहाँ पर 15 बना तो उसे भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया राइट, और उसी तरह से चलता रहा। यहाँ पर एक्स को क्यों नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ 15 के 5% मतलब वो सिर्फ 0.75 रुपए आते जो काफी नेग्लिजिबल होते, तो उसे किया नहीं है क्योंकि उसका करते रहते तो फिर रात हो जाती। चलिए तो यहाँ पर 9 और 6 करके ये बात खत्म की और यहाँ पर एक्सपेंसेस सब कुछ अलोकेट हो गए राइट, इस तरह से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में होगा। चलिए फिर दिया गया है आपको मशीन आर रेट कैलकुलेट करना था, तो जो यहाँ पर टोटल ओवरहेड्स मिले हैं ए बी और सी के राइट वो लिए और उससे टोटल मशीन आर ए बी और सी की थी उससे डिवाइड किया, तो हमें मशीन आर रेट मिला। ये जो मशीन आर रेट है वो जितने घंटे काम किया उस हिसाब से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन रेट बन जाएगा राइट। चलिए अब एब्जॉर्बिंग ओवरहेड ओवर कॉस्ट यूनिट्स और प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, कॉस्ट यूनिट्स प्रोडक्ट्स के लिए हम ओवरहेड से उनको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए यहां पर एक सिनोप्सिस दी है वो पहले फटाफट समझ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये जितना भी हमने पढ़ा उसका सिर्फ सिनोप्सिस दिया है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ डिपार्टमेंट है तो उसे हम अलोकेट कर देंगे, अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट है तो वहां पर अपोर्शनमेंट होगा। यहां पर देखिए अलोकेशन हुआ तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट ए को गया, अपोर्शनमेंट करेंगे तो वो सारे ही डिपार्टमेंट में जाएगा, ये सारे डिपार्टमेंट ए बी और सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे और यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट है 1 और 2 राइट। तो अलोकेटेड ओवरहेड्स जितने भी होंगे सभी के प्लस अपोर्शनड ओवरहेड्स मिलेंगे राइट, और ये फिर जो भी अपोर्शनड ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो रीअपोर्शनड हो जाएंगे टू
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो जो भी मेथड से हम रीअपोर्शनमेंट करना चाहे वो उस मेथड से हम रीअपोर्शनमेंट कर सकते हैं। तो ये रीअपोर्शनमेंट मतलब क्या होगा कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें अलोकेटेड ओवरहेड्स, अपोर्शनड ओवरहेड्स एंड रीअपोर्शनड ओवरहेड्स मिलकर टोटल ओवरहेड्स मिलेंगे। वो टोटल ओवरहेड्स हमें यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन है वो कोई भी एक बेस के ऊपर किया जाएगा, वो यूनिट वाइज हमें एक्सपेंस प्रोसेस वाइज जॉब वाइज जिस तरह से चाहिए उस हिसाब से हमें ये टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट वाइज मिल सकता है। उसके लिए जो होगा वो एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। क्लियर? चलिए, तो मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स टू वेरियस प्रोडक्ट्स और जॉब्स, वेरियस प्रोडक्ट्स और जॉब्स में किस तरह से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो मेथड्स दी गई है। The method selected for charging overheads to products or jobs should be such as will ensure, कैसी method होनी चाहिए absorption के लिए, वो यहाँ पर factors दिए हैं। ये आपको theory में question पूछ सकते हैं। That the total amount charged or recovered in a period does not differ materially from the actual expense incurred in the period, जिस period में वो हम absorption कर रहे हैं वो actual expenditure से बहुत ज्यादा vary ना हो, ऐसी method होनी चाहिए। And that the amount charged to individual jobs or product is equitable. In case of a factory overhead, this means that the item spent on completion of each job should be taken into consideration. कितना time spent हुआ वो consider होना चाहिए, इसलिए generally labor hour या machine hour है वो ज्यादा prefer किए जाते हैं। That a distinction should be made between jobs done by skilled workers and those done by unskilled workers. कौन सा काम स्किल्ड वर्कर ने किया है कौन सा अनस्किल्ड वर्कर ने किया है वो बायफर्केट होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए उसके बीच। एंड जॉब्स डन बाय मैनुअल लेबर एंड दोस डन बाय मशीन्स शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, लेबर मैनुअल लेबर ने कितना किया और मशीन्स ने कितना किया वो भी बायफर्केशन होना चाहिए, ऐसी मेथड सिलेक्ट करनी चाहिए। ये फैक्टर्स आपको थियरी में पूछ सकते हैं, राइट। एंड इन एडिशन द मेथड शुड बी कैपेबल ऑफ यूजिंग capable of being used conveniently and yield uniform result from period to period as far as possible. Any change in that is appearance should be reflect a change in the underlying situation such as substitution of human labor by machine. ऐसी मेथड होनी चाहिए जो हम conveniently यूज कर सके और हमें यूनिफॉर्म रिजल्ट मिले ईयर टू ईयर पीरियड टू पीरियड, राइट। ऐसी मेथड होनी चाहिए और अगर उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चलिए, उसके लिए कौन से मेथड है, हमारे पास 6 मेथड्स दी गई है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट एंड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मटेरियल कॉस्ट में कितना मटेरियल का एक्सपेंस हुआ वो कंसिडर करेंगे, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय मटेरियल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में कैसे मिलता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा, तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट करेंगे। चलिए, ये पहले दोनों ही समझ लेते हैं। Percentage of direct material cost. Under this method, cost of direct material consumed is the base for calculating the amount of overhead absorbed. Total production overhead of department divided by budgeted direct material cost of all product into 100. 100 करेंगे तो percentage मिल जाएंगे। Prime cost. This method based on the fact that both material as well as labor contribute in the raising factory overhead. Hence, the total of the two, that is prime cost, should be taken as the base of absorbing the factory overhead. उसका कैसे हमें अलोकेशन मिलेगा, तो एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये दो मेथड अवेलेबल है। तो ये दो मेथड का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये आप एक बार रीड कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से हम जो भी ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे वो अलग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है तो 21500 और 22100 है, दोनों ही अलग अलग मेथड से किया, राइट। तो वो क्यों आया, वो किस तरह से, वो थोड़ा सा समझते हैं। One can see how with a different method the work cost comes out a different. Of these methods, the first and second is generally considered to be unsuitable on account of the following reason. तो यहाँ पर direct material cost as a base लिया है या फिर prime cost base लिया है, तो वो दोनों ही unsuitable है, उसे use नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, वो यहाँ पर reasons दिए हैं। वो reasons है वो समझने के लिए, और practical से ज्यादा theory question में आपको पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा बेसिस है वो वैलिड रहेगा, तो उसके लिए भी आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, सबसे पहला रीजन है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस आर मोस्टली अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज टाइम इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द इनकरेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस। जनरली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस है उससे हम टाइम के बेसिस पर कंसिडर करते हैं कि इतने टाइम के लिए ये काम किया उस वजह से ये एक्सपेंस ज्यादा हुआ।
That they are so would be clear if we recall the overhead expense, especially manufacturing expense, can in the ultimate analysis be regarded as expenditure incurred in providing the necessary facilities and services to workers employed in the productive process. The question of facilities and service made available to workers naturally is dependent on the length of time during which workers make use of these facilities. जनरली ये जो सारी फैसिलिटीज के लिए ये एक्सपेंस किया जाता है, और ये फैसिलिटीज कितने टाइम के लिए ये वर्कर यूज करता है वो मैटर करता है इस एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए, राइट? इट मे देयरफॉर बी सेड दैट द जॉब और अ प्रोडक्ट ऑन विच मोर टाइम हैज बीन स्पेंट वुड एंटेल लार्जर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देन द जॉब रिक्वायरिंग लेस टाइम. द फैक्टर इज इग्नोर्ड ऑलटुगेदर बाय द फर्स्ट मेथड एंड लार्जली बाय सेकंड मेथड. अगर हम ऐसा देखेंगे तो मटेरियल जो भी लेबर आवर्स है या फिर मशीन आवर्स है उसके बेसिस पर होना चाहिए. मटेरियल कॉस्ट है उसमें तो पूरा ही इग्नोर किया है, कितने आवर्स काम किया कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. प्राइम कॉस्ट में थोड़ा सा पोर्शन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट वेजेस भी हो, डायरेक्ट वेजेस है वो जनरली आवर्स के बेसिस पर होंगे तो उसमें आवर्स का पार्ट है, बट वो लार्जली तो इग्नोर ही हुआ है. इसलिए मटेरियल कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट अगर बेस लेंगे तो उसमें टाइम फैक्टर को इग्नोर किया जाता है, इसलिए वो ज्यादा सुटेबल नहीं है. ये वन ऑफ द रीजन था. सेकेंड रीजन, ओवरहेड आर नीदर रिलेटेड टू द प्राइम कॉस्ट नॉट टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक्सेप्ट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. जनरली ओवरहेड कॉस्ट है वो मटेरियल या फिर प्राइम कॉस्ट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, वो रिलेशन नहीं रहेगा, तो बहुत ही छोटा पार्ट रहेगा. दस इफ द परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज यूज वेन देर आर टू जॉब्स रिक्वायरिंग द सेम ऑपरेशनल टाइम बट यूजिंग मटेरियल हैविंग वेरिंग प्राइसेस देयर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वुड बी डिफरेंट वेयर एज दिस शुड नॉट नॉर्मली बी सो. एक बहुत ही ऐसी कम चीजें होती है कि मटेरियल कॉस्ट अलग अलग है और उन दोनों में अलग अलग टाइप की प्रोसेस करनी है, उसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कुछ अलग है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो कुछ है, बट वो बहुत ही कम रेयरली देखने को मिलता है, इसीलिए इसे कंसिडर हम जनरली नहीं करेंगे. द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द टाइम फैक्टर. द फैक्ट दैट अमाउंट इंक्लूड्स लेबर कॉस्ट इन एडिशन टू मटेरियल कॉस्ट डज नॉट रेंडर द टाइम कॉस्ट टू बी मोर सुटेबल. इन फैक्ट द रिजल्ट्स आर लायबल to be more misleading because of the cumulative error of using both the labor and material cost as the basis of allocation of overhead expense on neither of which they are already dependent. Material और prime cost जो भी है उसमें time factor को ignore किया जाता है, जो हमने first reason में भी discuss किया, और उसी वजह से वो ज्यादा advisable नहीं है. प्राइम कॉस्ट में भले ही लेबर कॉस्ट को थोड़ा सा पार्ट दिया है, बट एक्चुअल में देखने जाए तो उसका कुछ खास इतना इंपॉर्टेंस, उतना वेटेज नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए वो इग्नोर हो रहा है. तो उसका जो रिजल्ट है उसमें मटेरियल और लेबर दोनों की ही एरर से वो दिखेगी, तो वो ज्यादा एडवाइजेबल नहीं रहेगा. थर्ड रीजन, सिंस मटेरियल प्राइसेस आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट एंड वाइड फ्लक्चुएशन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इफ बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट ऑल्सो वुड फ्लक्चुएट वायलेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड. अगर मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो अगर हम मटेरियल कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट को बेस लेंगे तो उन दोनों में भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिखेगा. द स्किल ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड एंड वेदर मशीन्स वर यूज्ड और नॉट आर इग्नोर्ड व्हेन दिस मेथड्स आर यूज्ड. कितने वर्कर्स स्किल वर्कर यूज हुए या नहीं, उन्होंने काम किया है या नहीं, या फिर मशीन्स कितना यूज हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर इग्नोर होती है जो नहीं होना चाहिए. तो ये चार रीजन दिए गए हैं, एक तो टाइम फैक्टर इग्नोर करते हैं, दूसरा जो भी है कि मटेरियल या फिर प्राइम कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं तो वो इतना ओवरहेड्स से रिलेटेड है ही नहीं, उनकी वजह से ओवरहेड्स कभी भी इंक्रीज नहीं होते, बहुत कम चांसेस में होता है. थर्ड, अगर मटेरियल की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों ही बेसिस है वो वायलेटिव होंगे और वो फ्लक्चुएटिंग बन जाएंगे. एंड फोर्थ, इसमें मशीन्स कितने काम हुए, मशीन का यूज हुआ या नहीं हुआ, स्किल वर्कर्स का यूज हुआ या नहीं, वो सारी चीजें इग्नोर करते हैं. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थियोरी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं. देन थर्ड है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट आवर्स कॉस्ट, उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से डिवाइड किया जाता है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जिसमें वेजेस रेट एज वेल एज आर्स को कंसिडर किया जाएगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी आपको थियरी में पूछ सकते हैं. मेथड इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू अप्लाई. टाइम फैक्टर इज गिवन रिकॉग्निशन इवन इफ इनडायरेक्टली. इसमें इनडायरेक्टली रिकॉग्निशन दिया जाएगा क्योंकि वेजेस है तो वेजेस में आर्स आ जाते हैं, टाइम आ जाता है, बट ये इनडायरेक्टली होगा. टोटल एक्सपेंस रिकवर्ड विल नॉट डिफर मच फ्रॉम द एस्टिमेटेड फिगर सिंस टोटल वेजेस पेड आर नॉट लाइकली टू फ्लक्चुएट मोर. डायरेक्ट वेजेस इतना फ्लक्चुएट नहीं होते, इसलिए ये एडवांटेजेस है. डिसएडवांटेजेस इट गिव राइज टू सर्टेन इनएक्यूरेसीज ड्यू टू द टाइम फैक्टर नॉट बीइंग गिवन फुल इंपॉर्टेंस. एडवांटेजेस में दिया कि चलो थोड़ा सा तो टाइम फैक्टर को बेनिफिट दिया, बट डिसएडवांटेज में वही चीज लिख दी कि इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया टाइम को,
तो मजा नहीं आया। वेर मशीनरी इज यूज टू सम एक्सटेंड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड अलाउंस फॉर सच अ फैक्टर इज नॉट मेड, मशीन को कंसिडर नहीं किया जाता। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर वेराइंग स्किल ऑफ वर्कर्स, स्किल्स किस तरह की है वर्कर्स की वो उसे कंसिडर नहीं किया जाता, राइट। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ये भी आपको थियरी में पूछ सकते हैं, कीजिएगा अच्छे से। ये था डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। फोर्थ है लेबर आर रेट मेथड, ये ज्यादा यूज होता है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100, राइट। लेबर आर के बेसिस पर, जहां पर लेबर इंसेंटिव है, लेबर का कुछ भी काम है उस वजह से ओवरहेड बढ़ते हैं, वहां पर टाइम को कंसिडर करना चाहिए। ऊपर दिया है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेथड इज एन इंप्रूवमेंट on percentage of direct wage basis as it fully recognizes the significance of element of the time in the incurring and absorption of manufacturing overhead expense. So labor hour rate method mein kya fayda hoga ki isme hum labor hours ko consider karenge, unko prime, hamare liye primary jo base rahega wo sirf hours rahega, to wo zyada fruitful rahega. Aage badhte hain. This method is admirably suited operations which do not involve any large use of machinery, जहां पर machinery पर कम काम होता है, labor intensive है, right? वहां पर ज्यादा beneficial होगा। To calculate labor hour rate, the amount of factory overhead is divided by the total number of direct labor hours. Simple, चलिए ये example आप पढ़ सकते हैं। बाकी अब यहां से जो चालू होता है ये मशीन आर रेट है, यहां पर हेडिंग देना रह गया है, तो आप यहां पर हेडिंग कंसिडर कर लीजिए मशीन आर रेट। उसमें समझा है मशीन आर रेट इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर एन आवर आवर टू प्रोड्यूस गुड्स। मशीन आर रेट में मतलब एक घंटा या फिर मशीन कितने टाइम पर चला है उस हिसाब से उतना उसका कितना कॉस्ट हुआ वो हम कंसिडर करेंगे। देर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट मशीन आर रेट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड ओनली द एक्सपेंसिस डायरेक्टली टू इमीडिएटली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन ऑफ द मशीन आर टेकन इन टू अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल पावर डेप्रिसिएशन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंश्योरेंस एटसेट्रा। जहां पर सीधा डायरेक्टली मशीन से रिलेटेड एक्सपेंस है वही हम यहां पर कंसिडर करेंगे। द रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ दिस एक्सपेंस फॉर अ पीरियड बाय द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑपरेशनल आवर्स ऑफ द मशीन ड्यूरिंग द पीरियड। सिंपल, चलिए। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, इट विल बी ऑब्वियस हाउएवर दैट इन एडिशन टू द एक्सपेंसेस स्टेटेड अबव देयर मे स्टिल बी अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सच एज सुपरविजन चार्जेस, शॉप क्लीनिंग एंड लाइटिंग, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड शॉप सप्लाई, शॉप जनरल लेबर, रेंट एंड रेट्स एटसेट्रा इनकर्ड फॉर द डिपार्टमेंट एज अ होल एंड हेंस नॉट चार्ज टू एनी पर्टिकुलर मशीन और अ ग्रुप ऑफ मशीन। इन ऑर्डर टू सी दैट सच एक्सपेंसेस आर नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, वन शुड इंक्लूड अ पोर्शन ऑफ सच एक्सपेंसेस टू कंप्यूट द मशीन आर रेट। मतलब इसमें जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली मशीन से रिलेटेड नहीं है उन्हें भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव रेट हमें यहां पर फाइंड करना रहेगा। Alternatively, the overhead not directly related to machine may be absorbed on the basis of productive labor hour rate method or any other suitable method. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो directly machine से related नहीं है उनको कोई और base से हम consider करेंगे, like labor hour rate हो सकता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। यहाँ पर just steps दिए हैं but काफी वो simple है, वो भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दिए है वो देखते हैं मशीन आर रेट के। वेर मशीन्स आर द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज यूजुअली द बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन। जहां पर मशीन्स पर ही सबसे ज्यादा काम होता है, मशीन ओरिएंटेड सब कुछ प्रोडक्शन वगैरह है, तो वहां पर ये बेस्ट है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ मशीन ओवरहेड वुड इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द मशीन हैव बीन आइडल। अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन तब होगा मतलब हमने एब्जॉर्ब कितना किया है ओवरहेड्स और एक्चुअल में ओवरहेड्स कितना हुआ, राइट। अगर हमने जो एब्जॉर्ब किया है वो एक्चुअल ओवरहेड से कम है तो हम अंडर एब्जॉर्ब कहेंगे, और अगर जो हमने एब्जॉर्ब किया है वो ज्यादा है, एक्चुअल ओवरहेड जो है उनसे ज्यादा है तो उसे ओवर एब्जॉर्ब कहेंगे। तो मशीन आर के बेसिस पर अगर हमें देखा तो अंडर एब्जॉर्ब है अगर एक्सपेंस, तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि हमने अंडर प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है, तो वो मशीन है शायद आइडल रहा है। It is particularly advantageous where one operator attends to several machines, for example, automatic screw manufacturing machine, or where several operators are engaged on the machine, for example, the belt press used in making conveyor belts. यहाँ पर मतलब एक ऑपरेटर है वो बहुत सारे मशीन के लिए काम करता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि एक बहुत सारे ऑपरेटर है वो एक मशीन के लिए काम करते हैं, तो ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेबर आर में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। डिसएडवांटेज, additional data concerning the operation time of machines not otherwise necessary must be recorded and maintained.
ऑपरेशन टाइम ऑफ मशीन्स जो शायद और किसी काम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे हमें रिकॉर्ड करना होगा, लेबर आर है तो वो तो हमें रिकॉर्ड करना ही होगा क्योंकि उनसे वेजेस पेमेंट होता है इसलिए, राइट। एज जनरल डिपार्टमेंट रेट्स फॉर ऑल द मशीन इन डिपार्टमेंट मे बी सुटेबल, द कंप्यूटेशन ऑफ अ सेपरेट मशीन आर रेट फॉर ईच मशीन और अ ग्रुप ऑफ मशीन्स वुड मीन फर्दर एडिशनल वर्क। और ये मशीन वाइज अगर कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कंबर्सम प्रोसेस होगी क्योंकि सभी मशीन्स के लिए हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। ये डिसएडवांटेजेस है, ये पूछ सकते हैं। चलिए देन रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, इसमें अमाउंट ऑफ ओवरहेड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, सीधा यूनिट्स से हम डिवाइड कर देंगे, इस तरह से भी हो सकता है। तो हमारे पास छह मेथड्स हैं ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट। वो हमने देखी मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पर हो सकता है, फिर प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर, लेबर कॉस्ट के बेसिस पर, लेबर आर्स, मशीन आर्स एंड आउटपुट। सबसे ज्यादा जो है वो लेबर आर और मशीन आर कंसिडर की जाती है क्योंकि वो प्रिफरेबल है, उसमें टाइम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होती है मेथड्स, राइट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा इसलिए ये याद रखना, बेस्ट मेथड लेबर आर या फिर मशीन आर है। अगर मशीन रिलेटेड कुछ भी वर्क है, कुछ भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसे मशीन आर के बेसिस पर होना चाहिए, और जो लेबर ओरिएंटेड है उसमें लेबर आर के बेसिस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब होना चाहिए, ये बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए पेज नंबर 4.33 पर, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट्स, चार टाइप के ओवरहेड रेट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थियरी में एक बार पूछा भी हुआ है और फिर से पूछ सकते हैं, राइट। चलिए उसमें नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट में एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स डिवाइड बाय एक्चुअल बेस, बेस में जो हमने छह बेसिस डिस्कस किए उसमें से कोई भी बेस हो सकता है, तो हम एक्चुअल ओवरहेड्स को कंसिडर करके एक्चुअल बेस से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा नॉर्मल रेट हो जाएगा। दिस रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एक्चुअल ओवरहेड बाय एक्चुअल बेस, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल रेट, सिंपल। प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट, प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट एक्चुअल में अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो बजटेड ओवरहेड होगा, उसके बेसिस पर हमें रेट निकालना रहेगा। तो प्रीडिटरमाइंड रेट में बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय जो हमारा बजटेड बेस है, बेस वो छह में से कोई भी हो सकता है। The rate is determined in advance by estimating the amount of overhead for the period in which it is to be used. It is computed by the following formula: budgeted amount of overhead upon budgeted base. Simple. चलिए. The amount of overhead rate of expense for absorbing them to production may be estimated on the following three bases. उनके अलग-अलग तीन bases हैं. The figures of the previous year or a period may be adopted as the overhead rate to be charged to production in the current year. The assumption is that the value of production as well as overheads will remain constant. और दैट द टू विल चेंज प्रोपोर्शनेटली। जब हम प्रीवियस ईयर के जो ओवरहेड्स है उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के फिगर से कंसिडर कर रहे हैं, वो कब हम कर सकते हैं, जब हमें लग रहा है या प्रोडक्शन या ओवरहेड्स है वो एज इट इज रहने वाले हैं, या फिर अगर उसमें चेंज होगा तो वो भी प्रोपोर्शनेटली होगा, तो वो रेट है वो एज इट इज रहेगा। सेकंड मेथड है ओवरहेड रेट फॉर द ईयर मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड एंटीसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। एस्टिमेटेड एक्सपेंस और एंटीसिपेटेड वॉल्यूम कितना होगा उसके बेसिस पर हम एस्टिमेट करेंगे। एंड थर्ड ओवरहेड रेट फॉर ईयर मे बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। नॉर्मली कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन हम करते हैं उसके बेसिस पर हम अपना ओवरहेड रेट निकालेंगे, उस तरह से भी हो सकता है। तो प्री डिटरमाइंड रेट है वो तीन तरीके से, प्रीवियस ईयर का कंसिडर करेंगे या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंस एंड एंटीसिपेटेड वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, एंड थर्ड हम फिक्स रेट नॉर्मल बिजनेस हो सकता है उसके बेसिस पर कंसिडर करेंगे। थर्ड है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट रिफर्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द होल फैक्ट्री। पूरी फैक्ट्री में बस एक ही रहेगा बेस, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी मशीन, कोई भी फैक्ट्री, कुछ भी प्रोसेस हो, सभी में एक ही रेट रहेगा। इट इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट व्हिच रिफर्स टू सेपरेट रेट फॉर ईच इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट। और दूसरा हो सकता है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, जहां पर डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट अलग अलग रहेगा। The use of blanket rate may be proper in certain factories producing only one major product in a continuous process or where the work performed in every department is fairly uniform or standardized. Blanket rate तभी possible हो सकता है कि सिर्फ एक आध ही major product हम produce करते हैं तो वहां पर it's fine, या फिर जब जितने भी departments हैं उन सभी का काम almost same है, uniform है, तो वहां पर use कर सकते हैं। Total overheads for the factory upon total number of units or of bays for the factory. टोटल यूनिट्स यहाँ पर लिया है और भी बेस हो सकता है। द ब्लैंकेट रेट शुड बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस वेयर ओनली वन मेजर प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, वेयर सेवरल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बट ऑल प्रोडक्ट्स पास थ्रू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड
फॉर द सेम सेम लेंथ ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट। हम ब्लैंकेट रेट कब यूज कर सकते हैं, हम एक ही मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम अगर सेवरल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम प्रोसेस से पास होती है, सभी डिपार्टमेंट से पास होती है, और सभी डिपार्टमेंट में सेम लेंथ ऑफ टाइम इनके लिए वो प्रोडक्ट प्रोसेस होती है, तो वहां पर ऑलमोस्ट टाइम है वो सेम रहेगा, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं ब्लैंकेट रेट, राइट। ये थियरी में ज्यादा पूछ सकते हैं, बट प्रैक्टिकल में भी कई बार इनका रेफरेंस आ जाता है, तो ये समझिएगा। एंड लास्ट वन, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। इट रिफर्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट और डिपार्टमेंट, वेयर द प्रोडक्ट लाइंस आर वेराइड ऑन और मशीनरी इज यूज्ड टू वेराइंग डिग्री इन द डिफरेंट departments, that is where conditions throughout the factory are not uniform, the use of departmental rate is to be preferred. जहां पर एक ही department या फिर मतलब अलग अलग type की products बनती है, सभी का process, timing वो सब कुछ अलग अलग है, वहां पर departmental overhead rate रहेंगे। उसमें overheads of department और cost center upon corresponding base रहेगा। Simple, तो ये चार type के overhead rate हो सकते हैं। इसमें मतलब देखिए किस तरह से होगा, या फिर नॉर्मल एक्चुअल हो सकता है या फिर प्रीडिटरमाइंड, इन दोनों में से और होगा, और ब्लैंकेट रेट या फिर डिपार्टमेंटल रेट में से कोई होगा, तो यहां से एक होगा और यहां से एक होगा, तो दोनों में से कंसिडर करके हमारा ओवरहेड रेट बनेगा। सिंपल, चलिए ये थियरी में इंपॉर्टेंट है तो उस तरह से आप कंसिडर कीजिएगा। देन इलस्ट्रेशन 6 दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। A machine costing rupees 1 crore is expected to run for 10 years. At the end of this period, its scrap value is likely to be rupees 9 lakhs. Repairs during the whole life of the machine are expected to be rupees 18 lakhs and the machine expected to run 4380 hours per year on the average. Its electricity consumption is 15 units per hour, the rate per unit being rupees 5. पहले तो एक मशीन दिया है 1 crore का है, जिसकी यूजफुल लाइफ 10 years है और 9 lakhs रुपीस स्क्रैप वैल्यू है, राइट। हमें डेप्रिसिएशन कंसिडर करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो 1 crore माइनस 9 lakhs डिवाइड बाई 5 ऐसे कर सकते हैं। ये यूजफुल लाइफ के बेसिस पर हुआ। दूसरा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये हम सोच रहे हैं कि 4380 आवर्स पर ईयर चल सकता है, तो 10 साल के लिए है 4380 पर ईयर, तो टोटल 10 साल में 43,800 आर्स के लिए चलेगा, तो उसके बेसिस पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट सिमिलर डेप्रिसिएशन ही रहेगा, पूरे साल के लिए सिमिलर ही आएगा। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो रिपेयर मेंटेनेंस दिया है, तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए किस तरह से करना है वो देखेंगे, राइट। रिपेयर मेंटेनेंस है वो भी हमारा बेस क्या रहेगा, ये 4380 रन, क्योंकि रिपेयर कब करना जरूरी रहता है, जब एक्टिविटी रहती है तब हमें करना रहता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। फिर यहां पर पावर का रेट पर यूनिट रुपीस 5 दिया हुआ है। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट्स आउट ऑफ द टोटल ऑफ 10 फॉर लाइटिंग। एरिया 1/4 ऑक्यूपाई करते हैं एंड 10 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स इस मशीन के लिए है। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, और फोरमैन मतलब सुपरवाइजर है, वो 1/6 टाइम इस मशीन को देता है। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज रुपीज 30,000 एंड द लाइटिंग चार्जेस अमाउंट टू रुपीज 8,000 पर मंथ। यहाँ पर रेंट है पर मंथ कितना है 30,000, तो उसे हम 1/4 मशीन को देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/4 एरिया वो ऑक्यूपाई करता है, और लाइट्स है वो 8,000 पर मंथ लाइटिंग का चार्जेस है, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स है आउट ऑफ 10, तो 2/10 इंटू 8,000 करेंगे तो हमारा लाइटिंग फॉर दिस मशीन हमें मिल जाएगा। ये दोनों मंथली है, ये ध्यान रखिएगा। The foreman is paid a monthly salary of rupees 19,200. Foreman को 19,200 salary दी जाती है, उसमें से वो 1/6 time इस machine को देते हैं, तो 19,200 into 1/6 करेंगे, तो monthly salary for this machine मिल जाएगा। Find out the machine or rate. Assuming insurance is 1% per annum on rupees 1 crore and the expense on oil etc. rupees 900 per month. Insurance है वो 1% per annum on 1 crore है, तो 1 crore के 1% करेंगे तो हमारा insurance premium भी मिल जाएगा, और उनके साथ हमें दिया है ये ऑयल एक्सपेंस वगैरह है वो 900 पर मंथ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मशीन आर रेट, राइट। तो इसमें ज्यादातर एक्सपेंसेस मंथली दिए हैं, तो हम मंथली कंसीडर करके कर सकते हैं, ईयरली भी करेंगे तो भी उससे हो सकता है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो फटाफट समझा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर एनम 4380 है, तो मंथली आवर्स कितने हो जाएंगे 365, 4380 डिवाइड बाई 12, सिंपल। फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन उन्होंने दो तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो दिया है वो 1 crore माइनस 9 lakhs डिवाइड बाई
10 years into 12 months, that is 75,833. Otherwise, 43,800 hours से भी हो सकता है. सिंपल, यहां पर आप assumption लिख सकते हैं जिस भी तरीके से आप करें. रेंट 30,000 into 1 by 4, lighting charges 8,000 into 2 by 10, foreman salary 19,200 into 1 by 6, sundry expense oil etc. 900 per month है, और insurance है वो 1% into 1 crore divided by 12 months. यहाँ पर शायद आपकी printed book में कुछ अलग दिया हुआ है, but यहाँ पर जो solution है ये सही है, तो आप इसी को consider कीजिएगा. चलिए, फिर variable cost है, repairs है, वो वहां पर, हाँ शायद आपकी प्रिंटेड बुक्स में ये 1 crore में से स्क्रैप वैल्यू माइनस की हुई है, बट एक्चुअल में स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 crore का कैपिटल है जो हमारा मशीन है उसके ऊपर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था. स्क्रैप वैल्यू तो बाद में जब हम सेल करेंगे तब आने वाली है, उसका इंश्योरेंस से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए स्क्रैप वैल्यू माइनस करके शायद आपके प्रिंटेड बुक में दिया है, तो उसे मत कंसिडर कीजिएगा. 1% ऑफ 1 crore ही होगा. उन्होंने अपनी सॉफ्ट कॉपी में ICAI ने वो चेंज कर दिया है, बट प्रिंटेड कॉपी में वो चेंज नहीं किया है, इसलिए वो ध्यान रखिएगा. चलिए, फिर वेरिएबल कॉस्ट में रिपेयर्स दिया हुआ है, वो रिपेयर्स भी 18 लाख का टोटल दिया था, तो 18 लाख डिवाइड बाय 43,800 आज उन्होंने किया है, इसलिए 41.10 यहां पर मिला, 41.10. और इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट जो मिला 97,366, उनको 365 आवर्स से डिवाइड करके पर आवर मशीन रेट पर आवर 266.76 निकाल लिया है, और इसीलिए यहां पर रिपेयर्स है वो भी सीधा ही आवर्स से डिवाइड कर दिया, इसलिए पर यूनिट ही हमें पर मशीन आवर ही मिला है यहां पर भी. और इलेक्ट्रिसिटी है वो भी किस तरह से 15 यूनिट्स पर आवर, द रेट पर यूनिट बीइंग रुपी 5, तो 15 यूनिट एक घंटे में यूज होते हैं और 5 रुपए उनका कॉस्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी 15 यूनिट्स इंटू रुपी 5 करेंगे तो मशीन आर ही रेट ही मिल जाएगा, तो 75, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो 382.86 हमारा मशीन आर रेट बन जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था, राइट, बट ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, इंश्योरेंस के बारे में जो आपकी बुक में दिया है वो गलत है शायद. चलिए, देन इलस्ट्रेशन 7 दिया है, ये थोड़ा सा अलग है, चलिए समझते हैं. अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटीज, टू ऑपरेट दिस 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन. 3 मशीन से 9 ऑपरेटर से 3 ऑपरेटर फॉर ईच मशीन. ऑपरेटर्स आर पेड रुपी 20 पर आवर. द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम. मतलब जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनको ₹20 पर आवर दिए जाते हैं, टोटल 48 आवर्स अ वीक का काम किया जाता है, और 48 आवर्स में से 4 घंटे है सेटअप टाइम का, तो 44 आवर्स वर्किंग होता है, प्रोडक्शन 44 आवर्स के लिए होता है, राइट. द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर्स, तीनों ही मिलकर काम करते हैं, तो ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स, उनको 4 आवर्स सेटअप के लिए काटते नहीं है, उनको 48 आवर्स के लिए ही मिलता है. In addition, they are paid a bonus of 10% of productive time. उनको जो बोनस मिलता है वो 10% of productive time है, तो वो 44 hours के लिए ही मिलेगा, तो वो 44 hours into rupees 20 into 10% हमें consider करना रहेगा. Costs are reported for this company on the basis of 13 4-weekly period. यहाँ पर जो cost calculate होता है वो किस तरह से होता है, 13 4-weekly period. 4-weekly period मतलब 4 हफ्ते का एक period है, ऐसे 13 मतलब 13 4s are कितना होता है 52 वीक्स हो गए, तो वो 52 वीक्स मींस पूरा साल बन गया. वो 4-4 हफ्तों के लिए देखते हैं, महीनों के लिए नहीं, क्योंकि एक महीने में 4 वीक से ज्यादा 4 से सवा 4 वीक हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 वीक में देखेंगे तो 7 डेज, 7 4s आर 28 होते हैं, राइट, बट टोटल डेज तो 30 या 31 रहते हैं, तो 4 वीक से ज्यादा होता है, बट यहां पर 4 वीक का एक पीरियड लिया जाता है, इसलिए टोटल 13 पीरियड रहते हैं, 4 वीकली पीरियड रहेंगे, तो हमें 4 वीकली पीरियड के लिए करना है, महीने के लिए नहीं करना है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये जो 4 वीकली पीरियड समझने में और ये ध्यान में रखने में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, आप अगर पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो शायद कंफ्यूज ही हो जाए. द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आर रेट इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर एंड ऑल्सो रिकप्स द फैक्ट्री ओवरहेड्स अलोकेटेड टू द मशीन्स. The following details of factory overheads applicable to the cost center are available. Machine hour rate में direct wages of operator factory overhead में allocate करना रहेगा. उसके अलावा जो expense है वो दिया है. Depreciation 10% per annum on original cost of machine. Original cost of each machine is ₹52,000. Maintenance and repairs per week per machine is ₹60.
कंज्यूमेबल स्टोर पर वीक पर मशीन ₹75, पावर 20 यूनिट्स पर आर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट, नो पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग सेटअप आवर्स। तो हमें वीकली 44 आवर्स के लिए वो पावर कंज्यूम होगा और वो 20 यूनिट्स पर आर है, तो 44 आवर्स इंटू 20 यूनिट इंटू 0.8 पैसा करना रहेगा फॉर वीक। अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, रेंट पर एनम, ये जो कॉस्ट सेंटर है उनको कितना अपोर्शन करना है, एक्सपेंसेस है वो, रेंट है पर एनम 5400, हीट एंड लाइट पर एनम 9720, फोरमैन सैलरी पर एनम 12960 एंड अदर मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम 18000 रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड, आपको एक मशीन का कैलकुलेट करना है फॉर 4 वीक पीरियड के लिए, 4 हफ्ते का जो एक पीरियड है उसके लिए हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव मशीन आर फॉर 4 वीक पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 48 आवर्स इनटू 4 वीक्स टोटल आवर्स है, उसमें से 4 घंटे हर हफ्ते के कहाँ जाते हैं, सेटअप टाइम में, तो हम माइनस कर देंगे, तो 4 आवर्स इनटू 4 वीक्स वो माइनस कर दिया तो मिलेंगे 176 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स होंगे। चलिए अब स्टैंडिंग चार्जेस और यहाँ पर मशीन एक्सपेंस वगैरह अलग अलग किए हैं, ऐसी चीज आप ऐसा बाइफर्केशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको जिस तरह से जो एक्सपेंस आ रहे हैं आप वो उसी सीक्वेंस में लिख देंगे चलेगा, इसके मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेंगे। चलिए स्टैंडिंग चार्जेस पर एनम, रेंट है तो वो 5400, यहाँ पर क्या कर दिया, जो पर एनम के कॉस्ट है वो यहाँ पर टोटल कर दिया और उनको फिर मशीन के लिए कंसिडर किया जाएगा, इसलिए रेंट 5400, हीट एंड लाइट, फोरमैन सैलरी, अदर मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सारे ऐसे ही दिए हुए थे आपके क्वेश्चन में, राइट? तो वही है 46,080 रुपीस। अब 46,080 रुपीस तो पूरे साल के लिए है, वो 3 मशीन के लिए है, ये पूरे कॉस्ट सेंटर का एक्सपेंस है, इसलिए ये 3 मशीन में डिवाइड होगा, तो 46,080 डिवाइड बाई 3 मशीन्स, और ये 13 4 वीक पीरियड, हमें तो सिर्फ एक 4 वीक पीरियड के लिए चाहिए, तो हमें उसे 13 4 वीक पीरियड से भी डिवाइड करना होगा, तो हमें मिलेगा 1181.54 फॉर 4 वीक पीरियड ऑफ 1 मशीन, ये खास ध्यान रखिएगा। फिर वेजेस दिए हैं, तो वेजेस 48 आवर्स इंटू 4 वीक्स इंटू ₹20 इंटू 3 ऑपरेटर्स, सिंपल। और बोनस 176 आवर्स जो हमारे प्रोडक्टिव रहते हैं, या आप दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं, 44 आवर्स इंटू 4 वीक्स इंटू 3 ऑपरेटर्स इंटू ₹20 इंटू 10%, ऐसा करते तो भी वही आता, यहाँ पर इन्होंने 176 आवर्स अलग से कैलकुलेट कर लिया, तो 176 आवर्स इंटू ₹20 इंटू 3 ऑपरेटर्स इंटू 10%, सिंपल। तो उस तरह से 1056, तो यहाँ पर टोटल स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इतना मिला। फिर मशीन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ₹52,000 रुपीस मशीन की कॉस्ट थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन, बट ये तो पूरे साल का मिला, हमें तो सिर्फ एक 4 वीक पीरियड का चाहिए, तो डिवाइड बाई 13 4 वीक पीरियड, तो हमें 400 रुपीस मिलेगा। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ₹60 इंटू 4 वीक्स 240, कंज्यूमेबल एंड स्टोर्स ₹75 इंटू 4 वीक्स, ये वीकली दिया था एक मशीन का, इसलिए सीधा 4 वीक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर है वो 176 आवर्स, क्योंकि पावर हमें बताया गया था वो सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स, सेटअप कॉस्ट के लिए नहीं चाहिए, राइट? तो 176 आवर्स, दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, 44 आवर्स इंटू 4 वीक्स इंटू 20 यूनिट्स इंटू ₹0.80, राइट? तो टोटल मशीन एक्सपेंस मिला, और टोटल एक्सपेंस इसका और इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 17513.54, ये क्या बन जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट फॉर वन मशीन फॉर 1 4 वीक पीरियड, राइट? और यहां पर मशीन आर रेट भी कैलकुलेट किया है, बट क्वेश्चन में नहीं पूछा था, यहां पर किया है तो ठीक है, तो 17513.54 अपॉन 176 आवर्स, इसीलिए 99.50, राइट? अगर आपको पूछेंगे तो आपको करना है, नहीं पूछा तो नहीं करना है। चलिए अब ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होंगे वो समझते हैं। ओवरहेड्स है वो जनरली प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर कर लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है कि इस साल में हमारा एक्सपेंस इतना हो सकता है और जो हमारा बेस रहेगा उस हिसाब से लेबर आवर्स इतनी होगी या मशीन आवर्स इतनी या फिर इतने आउटपुट्स रहेंगे, तो इस हिसाब से हमारा पर यूनिट पर आर पर लेबर आर क्या रेट होना चाहिए वो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी बेसिस पर हम पूरे साल में चार्ज करते हैं, जो भी साल हो सकता है, पीरियड कोई भी हो सकता है, मंथ वीक कुछ भी हो सकता है, वो हम प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर करते हैं, क्योंकि हम हुए नहीं या फिर हर रोज या फिर हर महीने हम एक्चुअल ओवरहेड्स को कंसिडर नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाती है, राइट? इसीलिए बजट बनाना है या हमें सेलिंग प्राइस नक्की करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम प्री डिटरमाइंड रेट का यूज करते हैं, तो प्री डिटरमाइंड रेट है वो एस्टिमेशन बजट वगैरह के बेसिस पर आएगा,
तो उस बेसिस पर कोई भी एक हम ओवरहेड का रेट कंसिडर कर लेंगे जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट होगा, बट एक्चुअल ओवरहेड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्री डिटरमाइंड रेट जो आया है, ओवरहेड रेट आया है, उस हिसाब से हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है एक्चुअल प्रोडक्शन करने के बाद, उसको कंसिडर करने के बाद जो हमारा जो प्री डिटरमाइंड रेट है उसे कंसिडर हम करेंगे एक्चुअल ओवरहेड एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर, तो उसमें से जो ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ है वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज है, राइट। 1 लाख रुपीज ओवरहेड है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, और एक्चुअल ओवरहेड्स जो हुआ है वो फॉर एग्जाम्पल है 1,20,000। तो क्या हुआ, ओवरहेड जो हमने एब्जॉर्ब किया था वो 1 लाख है, एक्चुअल ओवरहेड से 1,20,000 है, तो हमारा 20,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है, हमारा एक्चुअल एक्सपेंस 120 है बट हमने तो 1 लाख ही कंसिडर किया, तो जो उनका डिफरेंस है वो 20,000 रुपीज है, वो 20,000 रुपीज को हम उनसे हमारा कॉस्ट बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब्ड है हमारा ओवरहेड्स। ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि हमारा जो कॉस्ट, हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है वो 1 लाख रुपीज है और हमारा जो एक्चुअल ओवरहेड्स है वो 70,000 रुपीज है, तो 70,000 रुपीज ही एक्चुअल ओवरहेड्स हुआ, तो 30,000 हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, तो उसे क्या कहेंगे, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहेंगे। तो वो ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो उतना हमारा जो एक्सपेंस हमने ज्यादा बुक कर लिया उसे हमें कम करना पड़ेगा, उसे एज इनकम बुक करना रहेगा, राइट। ये अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड हमारा ओवरहेड बन जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ओवरहेड्स में आएगा, फिर आपके 7th चैप्टर में, 6th चैप्टर में भी आएगा और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह में भी आएगा, तो सभी जगह पर ये आने वाला है, तो ये अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फाइंड करेंगे, एस्टिमेटेड या फिर नॉर्मल ओवरहेड्स फॉर द पीरियड अपॉन बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, राइट। अब क्या होगा वो यहां पर दिया हुआ है, सच अ वेरिएशन में देखिए, एक्चुअल ओवरहेड रेट विल रेयरली कोइंसाइड विद द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट ड्यू टू वेरिएशन इन प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, एक्चुअल ओवरहेड रेट एंड एक्चुअल ओवरहेड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट जो भी होगा वो कभी भी एक्चुअल रेट से मैच नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस आने ही वाला है, राइट। तो उन दोनों में डिफरेंस आएगा, वो वेरियंस क्यों हो सकता है। Estimated overheads for the period under consideration may remain the same or the coincide with actual overheads, but the number of units produced during the period is either more or less in comparison with budgeted figure. Overhead expense जो हमने estimate किया था वो similar रहा, but जो number of product जो हमने produce किए वो ज्यादा या फिर कम हो गए जो हमने budget किए थे उनसे, तो हमारा overhead absorption होगा वो अलग हो जाएगा। In The former case, actual overhead rate will be less. अगर हमारा production ज्यादा हो गया तो हमारा जो former case होगा तो उसमें actual overhead है वो कम आ गया होगा। And in the latter case, actual overhead rate will be more than the predetermined overhead rate. Hence, over absorption or under absorption will occur respectively. तो अगर हमने ज्यादा production कर लिया है तो over absorbed हो जाएगा, right? तो वहां पर हमारा profit बढ़ाएंगे हम, और under absorbed हो गया है, right? तो वहां पर उस तरीके से हमें expense बढ़ाना रहेगा। Similarly, if the number of units actually produced during the period remains the same as budgeted figure, but the actual overhead incurred are more or less than the estimated overhead for the period, then a situation of under-absorption or absorption will arise respectively. Production units same reh sakte, but expense badh jaye, right? If changes occur in different proportion both in actual overhead and in the number of units produced during the period, then the situation of under or over absorption will arise. दोनों में ही थोड़ा थोड़ा कुछ अलग ही चेंज आ जाए, राइट, तो भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एंड इफ द चेंज इन द नंबर न्यूमरेटर दैट इज एक्चुअल ओवरहेड एंड डिनोमिनेटर दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अकर यूनिफॉर्मली विदाउट चेंजिंग द प्रोपोर्शन बिटवीन द टू, देन अ सिचुएशन ऑफ नीदर अंडर और नॉर ओवर एब्जॉर्प्शन विल अराइज। अगर दोनों में ही चेंज हो रहे हैं और दोनों में प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहे हैं तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो बेनिफिशियल है, बट वो रेयर है, वो जनरली पॉसिबल नहीं होता, राइट। चलिए, इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो फटाफट समझते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। बजेटेड फिगर है, अमाउंट और यूनिट्स दिए हैं, एक्चुअल फिगर है, अमाउंट और यूनिट्स दिए हैं, उससे एब्जॉर्ब्ड अमाउंट फाइंड किया है किस तरह से, 1/2 दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, और डिफरेंस फाइंड किया है फिर इसका और इसका। तो यहाँ पर 100 रुपीज था और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो पर यूनिट हमारा रेट कितना होना चाहिए, ओवरहेड रेट पर यूनिट ₹1 पर यूनिट। एक्चुअल अमाउंट कितनी हुई, 110, और यूनिट्स कितने हुए, 100। तो हमारे पास हम एब्जॉर्ब कितना करेंगे, ₹1 पर यूनिट हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है, तो ₹1 इंटू 100 यूनिट्स जो एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस किए, तो ₹1 इंटू 100 दैट इज ₹100, राइट। पर एक्चुअल में ओवरहेड कितना हुआ, 110, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10। मतलब हमने
ओवरहेड वो कितने एब्जॉर्ब किया 100 रुपीज, बट एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ 110। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो हमने एब्जॉर्ब किया था वो कम है कंपेयर टू एक्चुअल ओवरहेड, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अमाउंट 100, यहाँ पर अमाउंट और यूनिट्स तो 100 ही दिए है, तो 1 रुपी पर यूनिट हमारा ओवरहेड रेट बन जाएगा, तो उसे ही हम कंसिडर करेंगे। अब एक्चुअल को ही देखेंगे, एक्चुअल अमाउंट हुआ है 90 और एक्चुअल यूनिट से 100, तो 100 पर यूनिट हमें कितने एब्जॉर्ब करना है रुपी वन, तो 100 यूनिट्स इनटू रुपी वन, दैट इज 100 रुपीज हमारा एब्जॉर्ब्ड है, राइट। और एक्चुअल में हुआ कितना है 90 हुआ है, तो यहां पर क्या होगा ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा, हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, 10 रुपए से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। यहां पर देखिए फिर 100 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है और 90 यूनिट्स बने हैं, तो यहां पर एक्चुअल हमारा ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना हुआ होगा 90 यूनिट्स इंटू रुपी वन, दैट इज 90 रुपीज, और हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स कितना हुआ है 100, तो क्या हो जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन, राइट, 10 रुपए का फर्क आ जाएगा। तो यहां पर इसी तरीके से आपको ये सारे केसेस दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, सिंपल। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की, इज देयर एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इफ यस देन अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल, इफ यस देन कॉस्टिंग पीएनएल में, अगर वो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की अमाउंट बहुत कम है तो हम सीधा ही कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे, इफ नॉट देन ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेशन एंड एबनॉर्मल रीजंस, क्या वो हमारा एस्टिमेशन गलत था या फिर एबनॉर्मल रीजंस थे, इफ यस देन कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करेंगे। कैलकुलेट सप्लीमेंट अगर ऐसा नहीं है, एबनॉर्मल रीजन से नहीं है या फिर रॉन्ग एस्टिमेशन से नहीं है, दूसरा कोई रीजन है, तब हम उसे सप्लीमेंट्री रेट फाइंड करेंगे और चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट एंड WIP अकाउंट। अगर हमारा सेल हो गया उस चीज के लिए हुआ था तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, फिनिश गुड्स बन गया है और हमारे पास अभी भी पड़ा है तो फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा, और अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में उतना चार्ज करेंगे। चलिए, As regards the treatment of such debit or credit balance, the general view is that if the balance are small, they should be transferred to the costing P&L account and the cost of individual product should not be increased or reduced as there would be representing normal cost. अगर बहुत ही कम difference आया है तो सीधे costing P&L में charge करो, इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। Where, however, the difference is large and due to wrong estimation, it would be desirable to adjust cost of product manufactured, as otherwise the cost figures would convey misleading impression. Such adjustment usually take the form of supplementary rates. It is calculated as under or over absorbed overheads upon units produced. Jitna bhi under ya over, jitna bhi difference hai, divide by units produced karenge. Supplementary overhead rates, as calculated above, is applied to finished goods, semi-finished goods, or goods finished and sold. Therefore, under or over absorbed are distributed among the unsold stock of finished goods, semi-finished goods and cost of sales. Simple. In तीनों में हम divide करेंगे. अगर under absorbed है, मतलब हमने कम expense debit किया है, तो हम यहाँ पर debit ज़्यादा करेंगे. Right? Finished goods जो भी पड़ा है हमारे पास. Right? Semi-finished goods work in progress है. और जो हमने sell कर दिया, उसके लिए करेंगे तो cost of sales. और अगर हमारा और absorbed है तो यहाँ पर credit होगा, क्योंकि उतनी हमने ज्यादा expense book कर लिया, तो हमें expense कम करना है तो हमें credit करना होगा. Simple. आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी में ये पूछने का चांसेस कम है, पर ये बहुत सारे चैप्टर्स में आ सकता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है अंडर और ओवर रिकवरी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 8। तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री इज रुपीज 4,46,388, ये टोटल ओवरहेड एक्सपेंस है। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट रुपीज 1.25 पर आवर। नॉर्मली 1.25 पर आवर से वो एब्जॉर्ब किया जाता है। द एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 293,104, टोटल आवर्स कितने काम किया है 293,104 आवर्स। स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अज्यूमिंग दैट बिसाइड्स 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ व्हिच 7,000 वर सोल्ड, देयर वर 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स इन WIP। 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है और उसमें से 7,000 सेल हो गए हैं, तो 7,800 प्रोड्यूस किए तो 7,000 सेल कर दिए, तो फिनिश गुड्स में कितने होंगे 800 और वर्क इन प्रोग्रेस में कितने है 200, तो 7,800 और 200 में हम प्रोपोर्शनेट, ये जो भी डिफरेंस आएगा, हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स दिया है 446,380, हमारा एब्जॉर्ब किस तरह से आएगा 1.25 इनटू 293,104, तो उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उससे हमें इन तीनों अकाउंट में प्रोपोर्शनेटली चार्ज करना रहेगा। बट यहां पर आगे भी दिया है, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट 50% ऑफ द
unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of indirect materials and indirect labor, and the remaining 50% was due to factory inefficiency. जो भी under absorption है उसमें से 50% due to increase in price है और 50% है वो factory की inefficiency की वजह से है. तो increase in price जो भी है वो हमारा normal reason है, तो उसे हमें इन तीनों जो account है उनको charge करना रहेगा, right? In 7800 और 200, राइट, फिनिश जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है फिनिश गुड्स और डब्ल्यूएपी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जो बाकी का जो 50% होगा वो कॉस्टिंग पेनल में चार्ज होगा. चलिए, तो यहां पर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 446380, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड है 293104 इनटू 1.25 दैट इज 366380, तो दोनों का डिफरेंस आया 80,000, उसमें से 50% चार्ज होगा. ट्रीटमेंट ऑफ अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग 40,000 जो है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल लेबर शुड बी चार्ज टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ सप्लीमेंट्री रेट. तो 40,000 50% हमने यहां पर कंसिडर किया, 7800 प्लस 200 तो हमें सप्लीमेंट्री रेट मिलेगा, दैट इज ₹5 पर यूनिट, उसे हम चार्ज करेंगे. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज 7800 माइनस 7000 इंटू ₹5, 4000 वो फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा. वर्क इन प्रोग्रेस जो है 200 इंटू 5 वो WIP अकाउंट में, और कॉस्ट ऑफ सेल 7000 इंटू 5 35000, टोटल 40,000, ये इन तीनों ही अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. चलिए, यहां पर वही चीज दी है, द बैलेंस अमाउंट ऑफ अंडर अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ऑफ ₹40,000 ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पेनल अकाउंट एज दिस इज एन एबनॉर्मल लॉस. सिंपल, ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा. चलिए, फिर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. अब तक हमने जो समझा था वो फैक्ट्री प्रोडक्टिव प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में था, अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में समझना है, उसका हमें कंट्रोल और अकाउंटिंग किस तरह से करना रहेगा. यहां पर उसकी डेफिनेशन है वो फटाफट देख लेते हैं. द सम ऑफ दोज कॉस्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट functions of the enterprise, right? वो सीधा ही production, production, marketing, research, development से related नहीं है, वो सारे ही administrative overheads होंगे, उनका accounting control कैसे करेंगे वो देखते हैं. Accounting of administrative overheads, उसमें first है apportioning administrative overheads between production and sales department. जो भी administrative overheads जो हुआ है, right? उनको production या फिर sales, उसमें जिसने जितना use किया उस हिसाब से हम distribute कर देंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स खुद तो कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, उन्हें प्रोडक्शन या फिर सेल्स को सर्विस दिया होता है, सपोर्ट किया होता है, इसलिए दोनों में ही अपोर्शन कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सुटेबल बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अपोर्शनमेंट ओवर प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट, उसमें सुटेबल बेस फाइंड करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है. एंड लॉट ऑफ क्लेरिकल वर्क इज इन्वॉल्व इन अपोर्शनिंग ओवरहेड्स. सिंपल, और अभी एक है, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू अपोर्शन टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओनली ओवर प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट व्हेन अदर इक्वली इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंसेस आल्सो. सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करना इतना भी वैलिड नहीं है, फाइनेंस जैसे भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं तो उनको भी कंसिडर करना रहेगा, राइट? तो ये डिसएडवांटेजेस वगैरह आपको थियरी में पूछ सकते हैं. देन सेकंड, चार्जिंग टू पी एन एल अकाउंट, ये किसी भी डिपार्टमेंट को देने की जगह हम कॉस्टिंग पी एन एल में ही चार्ज कर देते हैं, कोई माथाकुटी नहीं, राइट? मगजमारी नहीं करने पड़ेगी. तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज अंडरस्टेटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर नॉट चार्ज टू कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमें कम मिलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बिना थोड़ी ना प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक्सपेंस हमने चार्ज ही नहीं किया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो गलत हो सकता है. एक्सक्लूजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज अगेंस्ट साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में से निकाल देना हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा, राइट? तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस रहेंगे. ट्रीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एज अ सेपरेट एडिशन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, उसे हम एज अ सेपरेट एडिशन कंसिडर करेंगे, उसे एडिशनल दिखाएंगे कि हाँ ये भी कॉस्ट हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. जनरली हम उसी बेसिस पर करेंगे. उसके बेस रह सकते हैं वर्क कॉस्ट, सेल वैल्यू और क्वांटिटी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कन्वर्जन कॉस्ट एटसेट्रा. सिंपल, चलिए. फिर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, वो किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? उसके तीन मेथड्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ओवरहेड्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड कंपैरिजन विद द एकम्प्लिश्ड रिजल्ट्स.
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है वो क्लासिफिकेशन एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, कौन से ओवरहेड्स हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, कौन से है उनका एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, तो वो पता चल सकता है कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर जरूरत है, कहाँ पर हम है वो हो सके वहां पर रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं, कंट्रोल थ्रू बजट्स, बजट्स बनाएंगे और बजट के हिसाब से देखेंगे बजट इतना है और एक्चुअल में कितना हुआ है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और हो सके तब तक बजट के अंदर ही हमारा एक्सपेंस हो जाए ऐसी ट्राई करेंगे। ये 15th चैप्टर में भी आएगा। कंट्रोल थ्रू स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि भाई इतना ही एक्सपेंस होना चाहिए और एक्चुअल में कितना हुआ, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, वेरियंस फाइंड करेंगे, वेरियंस के रीजंस कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो स्टैंडर्ड को हम अचीव कर पाए, राइट। ये कॉस्ट कंट्रोल का पार्ट होगा, चैप्टर 1 में भी हमने थोड़ा सा समझा और इन डिटेल वो चैप्टर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आएगा। तो यहाँ पर तीन मेथड्स दी गई है, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ओवरहेड्स, सेकंड बजट्स एंड थर्ड स्टैंडर्ड सेट करके, राइट। ये भी आपको थियरी में पूछ सकते हैं, सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। एक कंपनी है जहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस कंसिडर किया जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो फैक्ट्री कॉस्ट के कोई परसेंटेज लिया जाता है। अब किस तरह से होता है, डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट मिलता है, राइट। उस प्राइम कॉस्ट में हम जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमें जो मिलती है अमाउंट उसे फैक्ट्री कॉस्ट कहा जाता है, राइट। ये आपको कॉस्ट शीट में आएगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, बाकी इस तरह से रहता है। इसलिए जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो हमें किस तरह से लेना है, सम परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और जो हमारा यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रखेंगे तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स रहेगा। तो इस तरह से सॉरी फैक्ट्री जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा, फैक्ट्री कॉस्ट के कुछ परसेंटेज हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंसिडर करना रहेगा, राइट। तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट यहाँ पर परसेंटेज अभी नहीं दिए हुए, देखते हैं आगे दिया है या नहीं। The company has furnished the following data relating to two jobs undertaken by it in period 101 and 102, direct material, wages, selling price दे रखी और profit percentage on total cost दे रखे। Required, compute percentage of recovery rates of factory overheads and administrative overheads। यहाँ पर हमें percentage calculate करने हैं recovery के, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के कितने हैं, मतलब यहाँ पर जो ये percentage है वो हमें नहीं दिए है, वो हमें identify करने रहेंगे, calculate करने हैं। Calculation of the amount of factory overhead, administrative overheads and profit for each of the two jobs। इसमें हमें factory overheads, administrative overheads और profit कितना है वो हमें calculate करना है। Using the above recovery rates, determine the selling price of job number 103। The additional data being direct materials दिया है, wages दिया है और profit percentage on selling price दिया है, right? इस हिसाब से हमें 103 का selling price calculate करना रहेगा। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही कॉस्ट एलिमेंट दिए हैं, मटेरियल्स और वेजेस, बट हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, राइट, और प्रॉफिट के परसेंटेज भी दे रखे हैं। तो उस हिसाब से हमें कुछ इक्वेशंस बनाकर सोल्व करना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो जॉब्स है और दोनों में ही जो रिकवरी रेट है वो सेम रहेगा, इसीलिए हम इसमें इक्वेशन बनाकर सोल्व करेंगे तो हमारा रेट्स हमें मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसे डायरेक्ट वेजेस बी एफ परसेंट एफ लिया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का जो रिकवरी रेट है एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है बी ए, उसे ए अज्यूम किया हुआ है। तो यहां पर किस तरह से होगा, फैक्ट्री कॉस्ट फॉर जॉब, फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो वो आएगा, बट यहां पर नहीं है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स रहेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो जॉब 101 के लिए किस तरह से रहेगा, 54,000, 42,000 और 42,000 का एफ परसेंटेज, राइट। तो ये बन गया एक इक्वेशन। फॉर जॉब 102 37,500, 30,000 प्लस 30,000 एफ, राइट। देन टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हमें ऐड करना रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल कॉस्ट के लिए क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर दिया, 54 प्लस 42,000, राइट, तो 96,000 प्लस 42,000 एफ, प्लस
ये जो फैक्ट्री कॉस्ट मिला उसका ए परसेंटेज हमें लेना रहेगा। तो 96,000 प्लस 42,000 एफ इनटू ए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का रिकवरी रेट बनेगा। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसका ए परसेंटेज हमारा टोटल कॉस्ट बनेगा, मतलब इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा कॉस्ट मिलेगा उस वो इज इक्वल टू कितना है 151,500। ये क्या है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे पता चला, तो हमारे पास ऑलरेडी सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट के 10% हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे मान रहे हैं कि कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट तो हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस मिलता है। यहां पर दिया है टोटल परसेंटेज ऑन सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट परसेंटेज है वो टोटल कॉस्ट के 10% है। तो यहां पर हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अगर कॉस्ट 100 है तो उसके ऊपर 10% दैट इज 10, तो यहां पर सेलिंग प्राइस होगा 110 और यहां पर सेलिंग प्राइस दिया है 166,650। तो यहां पर 166,650 110 के सामने है तो 100 के सामने कितना, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सिमिलर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर करेंगे जॉब 102 के लिए तो उसमें भी क्या होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस राइट। तो यहाँ पर है 20% ऑफ कॉस्ट है, तो अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 20 और सेलिंग प्राइस 120, तो 120 के सामने है 128,250, तो ये 100 के सामने कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कॉस्ट मिल जाएगा राइट। इससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन गए हैं, तो हमें यहां पर टोटल कॉस्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। तो उसी तरह से यहां पर कैलकुलेट किए हैं, यहां पर उन्होंने वर्किंग नोट दे रखी है राइट, तो भी वो भी आप देख सकते हैं। चलिए तो ये जो इक्वेशन बना है हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन है उनको यहां पर सोल्व किया है उन्होंने राइट। उससे उनसे उनको मिला a इज इक्वल टू 0.25। अब मैथमेटिक्स तो इतना तो मैथमेटिक्स आता है राइट, तो ये सोल्व करेंगे तो a एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का रेट कितना है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट राइट। उसमें जो a का परसेंटेज हम यहां पर सब में रखेंगे तो हमें f भी मिल जाएगा, तो वो 0.6 दैट इज 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिकवरी रेट बनेगा। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था उसका हमें यहां पर आंसर मिला। सेकंड क्वेश्चन में हमें सारा सब कुछ देखना था, फैक्ट्री ओवरहेड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट राइट। तो वो तो काफी सिंपल है, दोनों ही जॉब यहां पर मेंशन कर दी, डायरेक्ट मटेरियल्स लिख दिए, वेजेस ये सब कुछ दिया था उसमें, उससे हमें मिला प्राइम कॉस्ट, उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे वो है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका 60% सॉरी यहां पर इसका 60%, यहां पर इसका 60%, तो हमें मिला फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमें ऐड करना है फैक्ट्री कॉस्ट का 25% राइट, तो मिलेगा टोटल कॉस्ट। उसमें 10% और 20% जो प्रॉफिट के है वो ऐड करेंगे तो मिलेगा सेलिंग प्राइस, और ये हमारा प्रॉफिट भी मिल गया, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट भी मिल गया और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी मिल गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी मिल गया। ये काइंड ऑफ कॉस्ट शीट ही है जो हम सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे राइट। फिर सेलिंग प्राइस फॉर जॉब 103, उसमें मटेरियल वेजेस दिए हुए थे, प्राइम कॉस्ट मिल गया, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो रिकवरी रेट है वो अप्लाई करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का रिकवरी रेट तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, और प्रॉफिट हमें नहीं दिया था हमें यहाँ पर जॉब जेड के लिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस जो है उसके कुछ प्रॉफिट परसेंटेज दिए हुए थे। तो यहाँ पर किस तरह से होगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट हमें मिल गया है और सेलिंग प्राइस के जो है वो हमें परसेंटेज दिया हुआ है जो है 12.5% है सेलिंग प्राइस के। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा इसके 12.5% दैट इज 12.5, तो यहां पर कितना होगा 87.5। तो हमारे पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो 70,000 के सामने 87.5%, तो 12.5 के सामने कितना या फिर 100 के सामने कितना, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी हमें ये चीज मिल जाएगी राइट। सिंपल यही चीज यहाँ पर की हुई है, तो इस तरह से हमारा थर्ड सब क्वेश्चन भी हो जाएगा राइट। क्लियर, चलिए आपको कभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं राइट, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, थर्ड जो हमारा फंक्शनल ओवरहेड्स है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझते हैं। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन उसमें तो कुछ खास नहीं है, उसका अकाउंटिंग वगैरह होगा तो कर सकते हैं, वो अपोर्शन कर देंगे राइट। उसके लिए सेल वैल्यू ऑफ गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन यूनिट सोल्ड, वो सारे हमारे बेस रह सकते हैं। ये एक्सपेंस और बेसिस जो है
वो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं, ये थियरी में पूछ सकते हैं। सैलरीज इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड ऑफ द सेल्समैन, तो एस्टिमेटेड टाइम डिवोटेड टू द सेल्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, उसके बेसिस पर हम अपोर्शन कर सकते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट है, तो एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, सिंस दिस डेज इट इज यूजुअल टू एडवर्टाइज ईच प्रोडक्ट सेपरेटली। कॉमन एक्सपेंस सच एज एन एग्जीबिशन शुड बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ईच प्रोडक्ट। हो सके तब तक तो हमें सेपरेटली करते हैं, तो सेपरेटली तो हमें पता चल ही जाएगा राइट कि कितना किस पे एक्सपेंस किया है, बाकी कोई कॉमन है तो उसमें कितना हो सकता है, कितना नेसेसरी, उस हिसाब से भी कंसिडर कर सकेंगे। शोरूम एक्सपेंसेस है, तो एवरेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच प्रोडक्ट। रेंट ऑफ फिनिश गुड्स गो डाउन एंड एक्सपेंस ऑन ओन डिलीवरी वेन्स है, तो क्वांटिटीज डिलीवर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, वो हमारा बेस मेंस सिंपल। फिर कंट्रोल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया है, तो उसमें हम रीजंस फॉर दिस आर, कंट्रोल क्यों करना है राइट, कंट्रोल करना क्यों डिफिकल्ट है वो दिए हुए हैं, उनके रीजंस दिए हैं। द इंसिडेंस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिपेंड्स मेनली ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज डिस्टेंस ऑफ मार्केट, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, टर्म्स ऑफ सेल एटसेट्रा विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी चीजें, कई बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से गवर्न होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट के लिए, इस वजह से उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट टास्क है। Then these overheads are dependent upon the customer's behavior, their liking and disliking tests, etc. Therefore, as such, control over the overheads may result in loss of customers. अगर control ज़्यादा करने चाहेंगे selling and distribution में, तो loss of customer भी हो सकता है, जो long term में हमारा sell सब कुछ खत्म हो जाएगा। Third, the expense being the nature of policy cost are not amenable to control. कई बार वो policy cost होता है, तो वो control करना difficult हो जाता है। In spite of above difficulties, the following methods may be used. Comparison with the past performance. Past performance हम compare करेंगे और ये selling and distribution beneficial है यानी वो हम ध्यान में रख सकते हैं। Second, budgetary control. जिस तरह से हमने administrative overhead में देखा, उसी तरह से होगा। Standard costing. Standard हम set करेंगे और उससे compare करेंगे, right? ये तीनों चीजें काफी simple है। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, theory में पूछ सकते हैं। चलिए then question illustration 10 दिया है। A company which sells 4 products, some of these are unprofitable. 4 प्रोडक्ट बेचती है कंपनी और उसमें से कुछ है वो अनप्रॉफिटेबल है। कंपनी प्रोपोजेस टू डिसकंटिन्यू टू सेल वन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। कंपनी सोच रही है कि इसमें से कोई एक प्रोडक्ट का हम जो प्रोडक्शन वगैरह है वो सब कुछ डिसकंटिन्यू कर दें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम कॉस्ट्स एंड एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March। प्रोडक्ट्स है ए बी सी डी। सेल्स दिया हुआ है 30 लाख, 50 लाख, 25, 45। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एरिया ऑफ स्टोरेज है स्क्वायर फीट में, नंबर ऑफ पार्सल्स सेंट है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट है, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड बेसिस ऑफ अलोकेशन आर, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट एंड इंश्योरेंस, हमारा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना हुआ है वो दिया है और उनके बेसिस ऑफ अलोकेशन भी दिए हुआ है। रेंट एंड इंश्योरेंस 3 लाख का है और एरिया ऑफ स्टोरेज के बेसिस पर ABCD में हमें अलोकेट करना है, सिंपल। Depreciation 1 लाख, number of parcels sent, तो number of parcels भी ऊपर दिए हुए हैं। Salesman salaries and expenses 6 लाख। Sales volume के basis पर है, but यहाँ पर actual में देखें तो sales volume नहीं दिया है, यहाँ पर जो sales है वो rupees में दिया है, that is value, but यहाँ पर volume कहीं पर भी नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर sales की value है उसी के basis पर apportion किया है, जो actual में देखने चाहिए तो technically वो गलत चीज़ है। आपको अगर volume में quantity दी है तो volume से ही करना चाहिए, बाकी आपको sales value से करना रहेगा। इस ऐसी situation में better option क्या, आप assumption लिख दें, right? फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज 5 लाख एंड नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंड, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये सारे बेसिस दिए हुए हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ अब तक तो। वेरिएबल कॉस्ट है वो पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल्स ₹2 पर पार्सल, ऊपर नंबर ऑफ पार्सल्स है ही। कमीशन है वो 4% ऑफ सेल्स, सेल्स का 4% करना है। स्टेशनरी ₹1 पर इनवॉइस, सिंपल। इनवॉइस भी यहाँ पर दिए हुए, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंड, तो उसके बेसिस पर करना रहेगा। You are required to prepare costing P&L statement showing the percentage of profit or loss to sales for each product. Costing P&L statement बनाना है। चलिए सिंपल है, पहला तो आप ये अपोर्शनमेंट तो काफी इजी है, आप ये एक बार देख लेना ABCD को, ये सब कुछ किया हुआ है। सेल्स है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन मिला, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट, राइट। तो उस फॉर्मेट को फॉलो किया है, प्रॉफिट और लॉस, और फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स, सेल्स के कितने परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट किया है। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी
कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। आप एक बार देखेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटी है, कैपेसिटी रिलेटेड ये थियरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ही आपको आ सकता है, राइट। इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी, इट रिफर्स टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज डिटरमाइंड इधर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और थ्रू अ टेक्निकल इवेल्युएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज थियोरिटिकल कैपेसिटी एंड इस कुड नॉट बी अचीव इन नॉर्मल ऑपरेटिंग सर्कमस्टांसिस। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतनी इंस्टॉल की हुई है, जिसे थियोरिटिकल कैपेसिटी भी किया कहा जा सकता है, जो नॉर्मली कभी भी अचीव नहीं हो सकती, राइट। जैसे कि 100 मार्क्स इन ईच पेपर, 800 मार्क्स आपको अचीव करना, शायद ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बन जाएगी। देन सेकंड है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इट इज डिफाइंड एज एक्चुअली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कैपेसिटी, जहां पर जब ऑपरेशन चल रहा है होता है, नॉर्मली होता है, उसे प्रैक्टिकल कैपेसिटी कह सकते हैं। दिस कैपेसिटी टेक्स इन टू अकाउंट लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू रिपेयर्स, मेंटेनेंस, माइनर ब्रेकडाउन, आइडल टाइम, सेटअप टाइम, नॉर्मल डिलेज, संडेज एंड हॉलीडेज, स्टॉक टेकिंग एटसेट्रा। जनरली प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज टेकन बिटवीन 80-90% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी। जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उसमें जितने भी पॉसिबल लॉसेज हो सकते हैं ऑफ टाइम, उसे कंसिडर किया जाता है, उसके बाद जो रहता है वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी बनेगी, जो जनरली 80-90% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनेगा। इट इज ऑल्सो यूज एज अ बेस फॉर डिटरमाइनिंग ओवरहेड रेट्स। प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नेट कैपेसिटी और अवेलेबल कैपेसिटी, उसे नेट कैपेसिटी या अवेलेबल कैपेसिटी भी कहा जाता है। नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज अचीव्ड और अचीवेबल ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिडक्शन इन कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लांट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी हो उन्हें भी कंसिडर करके नॉर्मली जितना हम अचीव करते हैं, अचीवेबल है, अचीव्ड होता है, वो नॉर्मल कैपेसिटी रहता है। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉर्मल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो भी होती है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे टाइम लॉस ड्यू टू शेड्यूल्ड और प्रिवेंटिव और प्लांट मेंटेनेंस, नंबर ऑफ शिफ्ट्स फॉर मशीन आर और मैन आर्स, हॉलीडेज, नॉर्मल शटडाउन, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज ओवर, दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी है वो May 2023 में 5 मार्क्स के थियरी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फिर से पूछने के थोड़े चांसेस कम है। मतलब इसमें से हमने आगे देखा था कि वो रीअपोर्शनमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 10 ओवरहेड कॉस्ट दिए थे, मतलब वो सिचुएशन दी थी, कॉस्ट सेंटर दिए थे, उसमें आपको बेस लिखने थे। तो May 2023 में 10 मार्क्स की थियरी ओवरहेड में पूछी थी, इसीलिए इस बार November 2023 में ऐसा कह सकते हैं कि ओवरहेड में से थियरी पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ओवरहेड फेवरेट चैप्टर नहीं है थियरी के लिए, उसमें से ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट May 2023 में उन्होंने थियरी 10 मार्क्स की पूछ ली, इसलिए November 2023 में पूछने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट ICICA के पेपर कुछ भी हो सकता है, राइट। चलिए एक्चुअल कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी एक्चुअली अचीव ड्यूरिंग गिवन पीरियड, इट इज प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी जो एक्चुअल में अचीव हुई है वो। आइडल कैपेसिटी, इट इज द पार्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट, पार्ट मशीन और इक्विपमेंट विच कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में हम यूज नहीं कर पाए वो आइडल कैपेसिटी। उनका दो बायफर्केशन है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड और नॉर्मल कैपेसिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वेयर द एक्चुअल कैपेसिटी इज लोअर देन द नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब इंस्टॉल्ड और नॉर्मल के बीच का डिफरेंस नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगा। चलिए सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ आइडल कैपेसिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। आइडल कैपेसिटी कॉस्ट कैन ट्रीटेड इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग इन द फॉलोइंग वेज। इफ द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट इज ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन सच एज रिपेयर्स, मेंटेनेंस, चेंज ओवर ऑफ जॉब एटसेट्रा, अ सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट मे बी यूज्ड टू रिकवर द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। इन दिस केस कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड। सिंपल, इसमें सप्लीमेंट्री रेट फाइंड करेंगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी में ही कंसिडर किया जाएगा, प्रोडक्शन अकाउंट्स होंगे उनको ही ये चार्ज किया जाएगा। इफ द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट इज ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन सच एज फॉल्टी प्लानिंग, पावर फेलियर एटसेट्रा, द कॉस्ट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। अगर वो अवॉइडेबल रीजन की वजह से है तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। इफ द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट इज ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स, देन द कॉस्ट शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय इन्फ्लेटिंग ओवरहेड रेट्स।
ये था कैपेसिटी, जिसमें इंस्टॉल्ड या फिर रेटेड कैपेसिटी, देन प्रैक्टिकल कैपेसिटी, देन नॉर्मल कैपेसिटी, देन एक्चुअल कैपेसिटी एंड देन आइडल कैपेसिटी। अब ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन कॉस्टिंग, कुछ आइटम्स का कॉस्टिंग में किस तरह से ट्रीट करेंगे वो दिया है, ये थियरी में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। चलिए, और ये हाँ कॉस्ट शीट वगैरह में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से समझिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, जनरली इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्जेस को हम कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, वो फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है। इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स एंड इंसिडेंटल कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स इन अरेंजिंग दोज फंड्स। For example, interest and financing charges are interest on borrowings, financial charges in respect of financial lease, cash discounts allowed to customers. The term interest and financing charges, finance cost and borrowing cost are used interchangeably. It does not include imputed cost. Imputed cost मतलब जो actual में expense नहीं हुए, notional cost वगैरह है, तो उसे consider करते हैं, but यहाँ पर वो interest या financing charges नहीं देखे जाते हैं। ऐसे जो opportunity cost है वो यहाँ पर consider नहीं करते हैं generally. Then depreciation, depreciation आपको पता ही है, right? उसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अगर एक बार पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। Packing expense, cost of primary packing necessary for protecting the product or for convenient handling should become a part of the production cost. जो पैकिंग उस प्रोडक्ट को एज इट इज रखने के लिए, सेफ कस्टडी में रखने के लिए नेसेसरी है, कन्वीनियंट रखने के लिए नेसेसरी है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चिप्स है, तो चिप्स का जो मेन पैकेट रहता है, तो उसके बिना तो वो चिप्स नहीं रह सकते ना, तो वो जो पैकेजिंग है वो प्राइमरी पैकेजिंग होगा, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। The cost of packing to facilitate the transportation of the production product from the factory to the customer should become a part of distribution cost. अगर ऐसा पैकिंग हो रहा है कि जिससे वो एक साथ वो सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट इजीली हो जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बन जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकिंग इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, द सेम शुड बी चार्ज टू द स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर और द जॉब। मतलब अगर वो चिप्स का ही अगर एग्जाम्पल ले, तो वो चिप्स है, अगर वो बहुत सारे पैकेट्स बन गए, फिर उसको एक बॉक्स के अंदर रखा गया, तो वो जो बॉक्स का पैकेजिंग एक्सपेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगा। और वो अगर वो जो सारी अलग अलग चिप्स है, अलग अलग फ्लेवर्स, जो भी हम कुछ भी चीजें बेच रहे, तो उनका कोई हैम्पर बना के वो किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई अलग से डिजाइन करवाया, किसी का फोटो वगैरह लगवाया, तो वो सारी चीजें स्पेसिफिकली एडवर्टाइजमेंट पर्पज से है, कुछ स्पेसिफिक जॉब के रिलेटेड है, तो वो स्पेसिफिक वो जॉब को चार्ज किया जाएगा, वो स्पेसिफिक कस्टमर को चार्ज किया जाएगा। The cost of fancy packing necessary to attract customer in an advertising and is an advertising expenditure, hence it is to be treated as selling overhead, right? तो जिस तरह से पैकिंग है उस तरह से उनकी ट्रीटमेंट रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काफी आ सकता है, तो ये अच्छे से समझिएगा। फ्रिंज बेनिफिट्स, these are the additional payments to or facilities provided to the workers apart from their salary and direct cost allowances like house rent, DNS and city compensatory allowances. These benefits are given in the form of overtime, extra shift duty allowance, holiday pay, pension facilities, etc. These indirect benefits tend to improve the moral loyalty and stability of employees towards the organization. If the amount of fringe benefit is considerably large, it may be recovered as a direct charge by means of supplementary wage or labor rate. Otherwise, this may be collected as a part of production overheads. फ्रिंज बेनिफिट्स, कोई भी ज्यादा कुछ भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं लेबर्स एम्प्लॉयज को, तो वो फ्रिंज बेनिफिट्स होगा। अगर ये लार्ज अमाउंट है तो उसे हमें एज ए लेबर वेजेस कंसिडर करना होगा, बाकी हम उसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। देन एक्सपेंसेस ऑन रिमूवल एंड रिलोकेशन ऑफ मशीन, मशीन को बाहर भेज रहे, रिमूव कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। एक्सपेंस आर समटाइम इनकर्ड ऑन रिमूवल एंड रीअरेक्शन ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्रीज, सच एक्सपेंस मे बी इनकर्ड ड्यू टू फैक्टर्स लाइक चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ऑन एडिशन और अल्ट्रेशन इन द फैक्ट्री बिल्डिंग, चेंज इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा। ऑल सच एक्सपेंसिस आर ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, व्हेन अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंसिस इज लार्ज इट मे बी स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे जो भी एक्सपेंस है उसे जनरली प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट कंसिडर किया जाएगा, राइट? उनसे कोई एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ती, तो हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और उसे प्रोडक्शन ओवरहेड में कंसिडर करेंगे। बट हाँ, अगर नेसेसरी लगे लार्ज अमाउंट है तो उसे हम डेफर कर सकते हैं, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि हर साल थोड़ा थोड़ा हम चार्ज करेंगे। इफ सच एक्सपेंस आर इनकर्ड ड्यू टू फॉल्टी प्लानिंग और सम अदर एबनॉर्मल फैक्टर्स दैट दे मे बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल, अगर कोई गलती हो गई है एबनॉर्मल रीजन से, तो उसे कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया जाएगा।
Then bad debts. There is no unanimity among different authors of cost accounting about the treatment of bad debts. One view is that bad debts should be excluded from cost. According to this view, bad debts are financial losses and therefore they should not be included in the cost of a particular job or product. कुछ ऑथर्स का ऐसा मानना है कि बैड डेट है वो फाइनेंशियल लॉस है, उसे कॉस्टिंग में हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, स्पेशली व्हेन दे अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग. देयरफॉर बैड डेट्स शुड बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इन द सेम वे एज एनी अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. हाउएवर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज बैड डेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. कुछ ऑथर्स का ऐसा मानना है कि वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं इसलिए तो बैड डेट हो रहा है, राइट. हमें जनरली कॉस्टिंग में बैड डेट को कभी कंसिडर नहीं करना है. आपको स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन में दिया है तो अलग बात है, बाकी जनरली कुछ नहीं करना है. अगर आपको थियरी में पूछ रहे हैं कि बैड डेट का क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो दोनों ओपिनियन है, आपको दोनों ही ओपिनियन लिखने जरूरी रहेगा, राइट. प्रैक्टिकल में पूछ रहे तो हम उसे फाइनेंशियल लॉस ही कंसिडर करेंगे, कॉस्टिंग में कभी भी एड नहीं करेंगे. ट्रेनिंग एक्सपेंस. ट्रेनिंग इज एन एसेंशियल इनपुट फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. Training expense, in fact, include wages of workers, cost incurred in running training department, loss arising from initial lower production, extra spoilage, etc. Training है वो necessary, उनके बिना workers अच्छे से काम नहीं करेंगे, right? Training अच्छी होगी तो वो अच्छा काम करके देंगे. Training expense of factory workers are treated as part of cost of production. Training expense of office, sales or distribution work should be treated as office and sales and distribution overhead as the case may be. जिस ट्रेनर, जिस वर्कर को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस हिसाब से उस ओवरहेड, उसको ओवरहेड्स में चार्ज करेंगे. प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एज इट इज राइट, एज रिक्वायर्ड. दिस एक्सपेंस कैन बी स्प्रेड ओवर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल. सिंपल. Training expenses would be abnormally high in the case of high labor turnover. Such expense should be excluded from cost and charged to costing P&L account. जहां पर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा लेबर एम्प्लॉइज चेंज होते हैं, तो वहां पर ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, तो उस केस में हमें कॉस्टिंग P&L में चार्ज करना चाहिए. Canteen expense, the subsidy provided or expense borne by the firm in running the canteen should be regarded as production overhead. If the canteen is meant only for factory workers, therefore this expense should be apportioned on the basis of the number of workers employed in each department. अगर वो सिर्फ production के लिए use होती है, production के ही employees है, तो वो production overhead ही होगा, और जितने भी department है उसमें apportion होगा. If office workers also take advantage of the canteen facility, a suitable share of expenses should be treated to office overheads as well. सिंपल. कैरिज एंड कार्टेज एक्सपेंस, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द मूवमेंट इनवर्ड और आउटवर्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू डायरेक्ट मटेरियल मे बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड दोस रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट मटेरियल मे बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. डायरेक्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मटेरियल के कॉस्ट में एड होगा, जो हमने चैप्टर 2 मटेरियल में देखा था. अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा. Expenses related to transportation of finished goods may be treated as distribution overheads. और अगर हम finished goods transport कर रहे हैं selling कर रहे के लिए, तो वो distribution overheads का part होगा, right? ये पूछ सकते हैं. Expense for welfare activities. All expenses incurred on welfare activities of employees in a company as a part are part of general overheads. Such expense should be apportioned between factory, office, selling, distribution overheads on the basis of number of persons involved. वो ओवरहेड्स का, जनरल ओवरहेड्स का पार्ट होगा, और वो जितने भी डिपार्टमेंट है, मतलब फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जितने वर्कर्स है, जितने वर्कर्स के लिए वेलफेयर एक्टिविटी हुई है, उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाइट शिफ्ट अलाउंस. वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज विच ऑपरेट ड्यूरिंग नाइट टाइम आर पेड सम एक्स्ट्रा अमाउंट नोन एज नाइट शिफ्ट अलाउंस. दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज जनरली इनकर्ड ड्यू टू जनरल प्रेशर ऑफ वर्क बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी लेवल एंड इज ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड एंड रिकवर्ड एज सच. नाइट शिफ्ट अलाउंस जनरली जो प्रेशर है उनको कॉप अप करने के लिए जनरली किया जाता है, कि चलो नाइट पे भी वर्कर्स को काम करवाए, ज्यादा काम करवाए, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया जाता है, तो वो जनरली फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा. इफ दिस अलाउंस इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, द जॉब्स और प्रोडक्शन कैरीड एट नाइट विल बी कॉस्टलियर देन जॉब्स और प्रोडक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग द डे. However, if additional expenditure on night shift is incurred to meet some specific customer order, such expenditure may be charged directly to the order concerned. अगर night shift allowances है उसे as a wages ही consider करेंगे, तो उस जो department या job का काम expense होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो daily day पर काम करते हैं उनसे ज्यादा हो जाएगा. और अगर वो स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें इतना जल्दी ऑर्डर चाहिए, तो उसके लिए हम करवा रहे हैं, तो वो सीधा कस्टमर, वो सीधा ही जॉब को हम अलोकेट कर सकते हैं एक्सपेंस को.
इफ नाइट शिफ्ट्स आर रन ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस एडिशनल एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट. सिंपल, एबनॉर्मल रीजन से कुछ भी एक्सपेंस होगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाएगा, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो. आरएनडी एक्सपेंस, द टर्मिनोलॉजी डिफाइंड रिसर्च एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटीरियल, न्यू और इम्प्रूव मेथड्स. सिमिलरली डेवलपमेंट एक्सपेंस आर डिफाइंड एज द एक्सपेंस ऑफ द प्रोसेस विच बिगिन्स विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टू प्रोड्यूस अ न्यू इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट. डेवलपमेंट करेंगे तो न्यू इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो डिसीजन उनके लिए है तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंस होगा. रिसर्च सर्चिंग कर रहे हैं कुछ नया मिल जाए, राइट. इफ रिसर्च इज कंडक्टेड इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन द रिसर्च एक्सपेंस शुड बी चार्ज टू द प्रोडक्शन ओवरहेड while the expenditure becomes a part of the administration overhead if research relates to administration. Similar market research expenses are charged to selling and distribution overheads. Simple. Development cost incurred in connection with a particular product should be charged directly to that product. Such expenses are usually treated as deferred revenue expense and recovered as a cost per unit of the product when production is fully established. वो deferred revenue expenditure होगा, जब तक पूरा ही develop अच्छे से ना हो जाए तब तक उसे defer करते रहेंगे. General research expense of a routine nature incurred on a new or improved methods of manufacturing or the improvement of the existing product should be charged to general overhead. Sabhi mein wo distribute hoga. Even in the case if the amount involved is substantial, it may be treated as a deferred revenue expenditure and spread over the period during which the benefit would accrue. Expenses on fundamental research not relating to any specific product are treated as part of the administrative overheads. Where research prove a failure, the cost associated with it should be excluded from cost and charged to costing P&L. अगर वो research fail हो जाता है तो वो costing P&L में जाएगा. Simple. ये था treatment of some cost or some items in costing. Right? ये overheads का हमने theory और illustrations किया. Hope you are clear with it. Next session में हम practical questions करेंगे. Right? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.